चलिए आवाज आ रही है क्या यस गुड इवनिंग सब जोश में yeah. पक्का yeah. चलो oh. oh. आज कुछ नए नए बच्चे दिख रहे हैं कभी नहीं आते क्लास में पार्टी की लिए क्या आ? क्या बोल रहे हैं हाँ वो तो है नहीं लेकिन लिक्शे में आती है वो ठीक है ओके पता है वो गलती से आ गए वो ठीक है ना यस गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून चलो बेटा सब लोग रेडी है चलो शुरू कर लेते हैं चलो जितने बच्चे ऑनलाइन है बच्चों फटाफट एक लाइट ठोको यस yes. अरे सौरभ कैसा है आज एकदम क्या फुल ब्लैक ब्लैक एकदम कल तस नहीं तुझे आते ब्लू ब्लैक सग एक चल मैं एकदम बढ़िया रचने जी एकदम बढ़िया हूँ आज प्रिफरेंशियर मुझे ना कल जो पढ़ा है सबको जो प्रिंसिपल पक्का और वैल्युएशन सीरीज के तीन टॉपिक क्लियर है क्या बेटा जी कॉन्फ्रेंस आ रहा है क्या तो वैल्यूएशन तीन टॉपिक मिला के ऑलमोस्ट पंद्रह से लेकर बीस मार्क का बेटे जी क्लियर होगा ना वैल्यूएशन पूरा वो सी में भी आएगा एफएम में सब में आएगा अपने को और इस लेक्चर अटेंड करते हैं क्या लोग शाम में गए हाँ देखते हो देखते हो ना क्या बात वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड चलो क्या बात है क्या नहीं कहता है, ऑनलाइन भी नहीं करता ये बच्चे बोले सर शेख बोला सर यू आर लुकिंग हैप्पी सर यस बेटा मैं बहुत हैप्पी हूं क्योंकि अब ये जाने वाले सब लोग ठीक है ना कितना खुश हो रहा है अभी सुकून मिलेगा ठीक है ना अः किस खुशी में मैंने निमर्सन लिया था ठीक है ना आ? और कुछ चलो बेटा मुझे फाइल पर ओपन करने दो आज का हमारा टॉपिक है रडमशन ऑफ प्रिफरेंशियर शायद से वॉल्यूम वन है ना अरे मैंने गलत नहीं कर एक वो फाइल में डाउनलोड नहीं हुआ हो जाता है इंग्लिश वीक की मेरा कौन सा है चैप्टर थ्री है ना वो ना? थ्री पॉइंट वन है ना चैप्टर थ्री पार्ट सी चलो आ गया ये बोला सर इनको चुप करा ईयरफोन में बकबक हो रही है नहीं होते वो हर्ष मार रहा है हो क्या करू छोड़ो अपने बच्चे सब ठीक है ना चलो शुरू कर लेते हैं अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाह रहा हूं मैं अभी चलो गुड आफ्टरनून आफ्टर यस गुड आफ्टर वन सगेन चलो सर आज का अपना चैप्टर है रुडम शन ऑप शेयर

इक्विटी शेयर और शेयर प्रीफरेंस शेयर का पैसा कुछ सालों के बाद वापिस करना पड़ता है इक्विटी शेयर इज अ परमानेंट कैपिटल उनका पैसा वापिस नहीं किया तो भी चलेगा बट शेयर का पैसा कुछ सालों बाद वापिस करना पड़ता है तो प्रिफरेंस शेयर का पैसा कुछ सालों बाद वापिस करना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं रुडमशन ऑफ क्या बोलते हैं चो ओके okay. अब देखो आज हम डिस्कस करेंगे किसी भी कंपनी को अगर प्रिफरेंशियर का रिडम्पशन करना है तो क्या क्या घटना घटती है क्या क्या बेटा घटना घटती है और उस टाइम पे क्या क्या जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी एकदम शांति सुना मेरी बात अब हम देखने वाले रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंशियर फोकस करेंगे सब लोग बच्चों देखिए जैसे मैंने कल आपको बताया था आज के बेटा लेक्चर में आज के अभी के सेशन में रिडम्पशन ऑफ प्रिफरेंशियर का सारा सारा डिस्क्रिप्टिव पार्ट कराने वाला हूं

ओके okay. अब देखो सर चैप्टर का नाम क्या है रिडमशन ऑफ प्रेफरेंशियल मान लीजिए बेटा जिसको समझाने के लिए थोड़ा सा ना मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल बताता हूं मान लीजिए कंपनी के बैलेंस शीट आपके सामने है ओके okay. सर को बैलेंस शीट में मान लीजिए सुनो बेटा राइट में क्या आता है एसेट लेफ्ट में क्या आता है लायबिलिटी मान लीजिए कंपनी एक लाख के प्रेफरेंशियल इशू के इज ट जर्नल एंट्री वेन प्रीफरेंस शेयर और इशू शेयर इशू करते लाख का शेयर इशू क्या इशू क्या एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल एंट्री क्या हो सर जी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक में कितना पैसा आएगा एक लाख आपने क्या इश्यू किया कौन से प्रिफरेंस शेयर कैपिटल प्रिफरेंस कैपिटल एक लाख का बराबर है ये एंट्री कब होगी बच्चों जो शेयर क्या करोगे इशू दोबारा बताएंगे जब शेयर इश्यू करते एंट्री क्या होगी बोलो बच्चों बैंक का अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल बोलो या प्रिफरेंस शेयर कैपिटल कितना अमाउंट है सर जी एक लाख कितना अमाउंट है एक लाख से एक लाख का आपने शेयर क्या क्या इशू क्या कोई दिक्कत सबको झेपा क्या पहले शेयर क्या क्या इशू क्या एंट्री बोलो क्या है बैंक का अकाउंट डेबिटेड टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल कोई तकलीफ

सर मुझे होते क्या रुडमशन के टाइम पे शेयर का पैसा वापस करना पड़ता है सर मुझे रुडमशन करना मतलब शेयर कैंसिल करना बोलो हा या ना रुडमशन करना शेयर क्या करना बेटा कैंसिल आगे करना बेटा बस आगे करना करना शेयर बेटा क्या करना कैंसिल क्या कैंसिल करना है रिडमशन करना मतलब शेयर कैपिटल कैंसिल करना आप सबको पता है शेयर कैपिटल कौन है सर क्रेडिट है ये कौन है सर क्रेडिट है उसे कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे दोबारा बताइए रिडमशन करना मतलब प्रेफरेंस शेयर कैंसिल करना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले क्या था क्रेडिट उसे कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे डेबिट yeah. बोलो हां या ना सब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या-क्या कैंसिल किया क्या? क्या. कितने का था yeah. सर जितने का आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल किया ना सर 1 लाख कैंसिल किया अब उसका पैसे देना पड़ेगा किसको yeah. प्रिफरेंस शेयर होल्डर को पैसा तुरंत देंगे या पहले पैसा डी होगा हो पहले पैसा क्या होगा ड्यू फिर क्या करेंगे पे पहले पैसा क्या होगा ड्यू फिर क्या होगा सुडमशन के टाइम पे पहली घटना कब घटेगी वेन मनी बिकम्स ड्यू जब पैसा ड्यू होता है बच्चों ड्यू मतलब पेबल तब प्रिफरेंस कैपिटल क्या होता है कैंसल कैंसल करने के लिए वो पहले क्या था क्रेडिट अब क्या होगा पहले क्या था अब क्या होगा

पहले पैसा क्या होगा ड्यू अब क्या करेंगे किसको पे करेंगे किसको पे करेंगे वो पहले क्या था क्रेडिट पहले क्या था क्रेडिट अब क्या होगा इनको पैसा पे करना है किसको प्रिफरेंस शेयर होल्डर एंट्री क्या होगी प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक डेबिट द रिसीवर कौन है रिसीवर प्रिफरेंस शेयर होल्डर उन्हें क्या मिल रहा है पैसा कितना मिल रहा है बच्चों पैसा एक लाख कोई दिक्कत सबको समझा दोबारा बताए रिडमशन के टाइम पे पहले पैसा क्या होगा पहले पैसा क्या होगा ड्यू फिर क्या करेंगे पहले पैसा क्या होगा ड्यू फिर दिव। जब पैसा ड्यू होगा किसको ड्यू होगा प्रीफरेंस शेयर होल्डर को किसका पैसा ड्यू होगा प्रीफरेंस शेयर कैपिटल का एंट्री क्या होगी प्रीफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रीफरेंस शेयर होल्डर पहले पैसा क्या होगा ड्यू फिर क्या करेंगे पे किसको पे करेंगे एंट्री क्या होगी प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक पहले पैसा क्या होगा ड्यू फिर क्या करेंगे पैसा पे किया रिडमोशन हो गया पैसा क्या किया पे रिडमशन हो गया जैसे रिडमशन होता है जैसे रिडमशन होता है अब कंपनी जैड बोलता है भाई तुम प्रिफरेंस शेयर का रिडमोशन कर रहे हो मतलब तुम प्रिफरेंस शेयर कैपिटल कैंसल कर रहे हो उूस पड़ना का हो सांग सांग बोला ना <laughs> हाँ? हाँ पता मैं क्या बोला तेरे को वो भाई बेसज कहता है सुनता रहता सिर्फ हाँ हूँ हाँ। 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 चल हाँ ध्यान दे सुनो बेटा चलो ठीक है अगर मेरी शक्ल पसंद नहीं उधर देखना कोई दिक्कत नहीं बेटा चंपा से मेरी शक्ल देखना ठीक है ना ओके चलो हाँ आगे बढ़ लेते हैं सब पहले पैसा क्या हो गया ड्यू फ्री क्या किया पे पक्का रिडम्शन हो गया रिडम्शन हो गया सब इस ध्यान से बैलेंस शीट में होने से प्रीफरेंशियल कैपिटल क्या हो गया कैंसल रिडम्शन क्या मतलब प्रिफरेंशियल कैपिटल क्या हो गया कैंसल नहीं समझा सर रिडम्शन क्या मतलब कैपिटल कैंसल अब शांति सुना मेरे बात सब प्रिफरेंशियल कैपिटल क्या किया कैंसल बराबर है सर प्रीफरेंस शेयर कैपिटल कैंसल हुआ मतलब कहना है से कंपनी का शेयर कैपिटल कम होगा सर किसी भी कंपनी का शेयर कैपिटल कम होना अच्छी बात है बुरी बात है बुरा है कि शेयर कैपिटल क्या आ रहा है कम हो रहा है ओनर का स्टेक कम हो रहा ना कर ओनर का स्टेक कम हो रहा है तो कंपनी के जो इन्वेस्टर है डर जाएंगे अरे बाबा कंपनी का यहाँ पे शेयर कैपिटल क्या आ रहा है कम हो रहा है ओनर का स्टेक क्या आ रहा है कम हो रहा है कि नहीं तो आपके इन्वेस्टर डर जाएंगे उनका इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए इंटरेस्ट सेफगार्ड करने के लिए

सर कैपिटल रिस्टोर करना मतलब क्या है प्रिफरेंशियल कैपिटल रिडीम करने के लिए कैंसिल करने के लिए आपने क्रेडिट से एक लाख रुपए कट किया था सर क्रेडिट से जो एक लाख रुपए कट किए थे ना उसको वापिस आपको क्रेडिट में लेके आना पड़ेगा सर जो क्रेडिट से एक लाख रुपए क्या कहते थे कट किए थे उसको वापिस लेके आना पड़ेगा इसको हम बोलते कैपिटल रिस्टोर करना ये बेटा मैंडेटर होता है बाय Law, ये मैंडेटरी है तो जब भी तुम क्या करोगे रिडमिशन आपको कैपिटल रिस्टोर करना पड़ेगा तो सर सवाल उठता है ये कैपिटल रिस्टोर कैसे करेंगे सर ऐसा कहा जाता है कि कैपिटल रिस्टोर करने के तीन तरीके होते कैपिटल रिस्टोर करने के तीन तरीके होते हैं सबसे पहला तरीका से कैपिटल रिस्टोर करने का सबसे पहला तरीका होता है इश्यू ऑफ शेयर या इश्यू ऑफ सिक्योरिटी इश्यू ऑफ शेयर इश्यू ऑफ सिक्योरिटी ओके बोलो सर कैपिटल स्टोर कर पहला तरीका इश्यू ऑफ क्या है शेयर सेकंड तरीका होता है नहीं रही सुनो नालाय को क्रिएशन ऑफ सीआरआर क्रिएशन ऑफ सीआरआर और तीसरा फंडा होता है कॉम्बिनेशन ओके बताओ सर कैपिटल रिस्टोर करने के कितने ऑप्शन होते हैं पहला इश्यू ऑफ शेयर दूसरा क्रिएशन ऑफ सीआरआर और तीसरा कॉम्बिनेशन मतलब क्या देखो सो पहले इश्यू ऑफ शेयर हो सकता है अगर आपका एक लाख का कैपिटल क्या, क्या हो रहा है कम हो रहा है तो एक काम करो आप एक लाख के शेयर क्या करो इश्यू करो एक लाख के शेयर क्या करो इश्यू भले आप इशू करो इक्विटी शेयर एक लाख का शेयर इश्यू करो अगर सर आपने एक लाख के शेयर आपने इश्यू किए तो एंट्री क्या बताइए शेयर इश्यू क्या एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल बैंक का अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अब तो लाख के शेयर इशू किए तो बैंक में तो एक लाख आ गया और क्या इशू किया सर yes. शेयर कैपिटल एक लाख से बढ़ गया सर yes. तो जितने से आपका शेयर कैपिटल क्या हुआ था कम उतना क्या हो गया रिस्टोर थोड़ा बहुत झेपा क्या बेटा तो कैपिटल रिस्टोर करने का पहला ऑप्शन क्या होता है इशू ऑफ शेयर्स पक्का शेयर उसे एक लाख का कैपिटल क्या करो रिस्टोर पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन मान लीजिए अगर आपको आपके कंपनी के शेयर इश्यू नहीं करने अगर मान, मान भयंकर बैलेंस है, है तो दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि यहां पे शेयर इश्यू करने के बदले आप एक काम कर सकते हो आपके पास जो प्रॉफिट है आपके पास जो रिजर्व है आपके पास जो प्रॉफिट है या आपके पास जो रिजर्व है उसमें से एक लाख रुपए निकालो और ट्रांसफर करो सी आर आर कहा मतलब क्या कैपिटल रिडमशन रिज़र्व। नहीं समझा सर पक्का सर दूसरा तरीका क्या होता है क्रिएशन ऑफ क्या होगा सीआरआर पक्का तो सीआरआर करने के लिए क्या विड्रॉ करेंगे प्रॉफिट अपीर रिजर्व हमारे पास कौन है प्रॉफिट अपीर रिजर्व प्रॉफिट और रिजर्व से पैसा निकाला बेटा मुझे बताओ ये पीएनएल और जनरल रिजर्व पीएनएल और रिजर्व ये एसेट लाइब्रेटी है पीएनएल जनरल एसेट एसेटेड लाइब्रेटी लाइब्रेटी मतलब पहले क्या है क्रेडिट है पी पीएनएल और रिजर्व कौन है लाइब्रेटी मतलब पहले क्या है वहां से निकालने के लिए क्या करेंगे डेबिट पीएनएल पहले क्या था निकाला मतलब रिजर्व पहले क्या था क्रेडिट निकाला मतलब पीएनएल से निकालो जनरल रिजर्व से निकालो और ये ट्रांसफर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जो कैपिटल आप रिडीम करने वाले हो उसके बदले जो रिजर्व बनाते वो क्या होता है कैपिटल रमशन रिजर्व एक तो सर एक लाख का शेयर इश्यू करके एक लाख रुपए लेके और लाइब्रेटी में या एक लाख का क्या बनाओगे अल्टीमेटली सर लाख का कोटा पूरा करने से मतलब है तीसरा ऑप्शन क्या होता है कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन में मान लो मैंने साठ हजार रुपए रेस के शेयर कैपिटल से और चालीस हजार किससे रेस किए सियारा थोड़ा शेयर कैपिटल थोड़ा सियारा थोड़ा इससे थोड़ा, थोड़ा, थोड़ा उससे उससे हम लोग क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन समझा क्या बेटा जी नहीं समझा अगर मैं इसको शॉर्ट में समराइज करूंगा जब भी आप प्रिफरेंशियर का रिडम्पशन करोगे रिडम्पशन के टाइम पे सबसे पहले पैसा क्या होगा ड्यू प्रिफरेंशियर कैंसिल किया उसका पैसा क्या आ रहा है ड्यू किसको प्रिफरेंशियर होल्डर एंट्री क्या होगी प्रिफरेंशियर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू प्रिफरेंशियर होल्डर कितना अमाउंट है एक लाख पहले पैसा क्या हो रहा है ड्यू फिर पैसा किसको पे करेंगे प्रिफरेंस शेयर होल्डर को एंट्री क्या होगी प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. बैंक कितना पे क्या पहले पैसा क्या क्या ड्यू फिर क्या क्या पे पे क्या रिडमशन हो गया रिडमशन हो गया अब कैपिटल रिश्तोर कैपिटल रिश्तोर करने कितने ऑप्शन है तीन एक तो पहले शेयर इश्यू करो या फिर सीआरआर बनाओ

फाइव थाउजेंड प्रीफरेंस शेयर है नंबर ऑफ शेयर है बेटा पांच हजार शेयर है ऑफ रुपीज हंड्रेड इच इनका रिडमशन करना है क्या करना है सर रिडमशन रिडमशन के टाइम पे कैपिटल क्या करना है रिस्टोर करना है कंपनी के पीएनएल में ऐसा बोला है कि कंपनी के पीएनएल में अब बैलेंस अवेलेबल है साठ लाख कितना बैलेंस है सर जी साठ लाख का बैलेंस अवेलेबल है मुझे एंट्री पास कर रिडमशन की किसकी एंट्री अब शांति सुनेंगे सर so, करना है समझ है। रिडमशन के टाइम पे सबसे पहले क्या होगा पहले क्या करेंगे ऑन रिडमशन रिडमशन के लिए क्या होगा व्हेन मनी बिकम्स ड्यू पहले पैसा क्या होगा ड्यू किसको ड्यू हो रहा है प्रिफरेंस शेयर होल्डर रिडम्सन करना मतलब प्रिफरेंस शेयर कैपिटल कैंसिल करना प्रीफरेंस शेयर कैपिटल पहले क्या था क्रेडिट अब क्या होगा कैंसिल किया उसका पैसा क्या आ रहा है डियो किस को शेयर होल्डर प्रिफरेंस शेयर कैपिटल एड क्या होता है फेस वैल्यू एक का कितना फेस वैल्यू है सौ रुपए इस आगे काम में आएगा कितने शेयर है फाइव थाउजेंड कितना आएगा पाँच लाख का शेयर कैपिटल कैंसिल किया उसका पैसा क्या आ रहा है डियो किस प्रिफरेंस शेयर होल्डर को पहले पैसा क्या हो गया ड्यू फिर वेन मनी इज पेड पहले पैसा क्या हो रहा है ड्यू फिर क्या करेंगे पे किसको पे करेंगे प्रिफरेंस शेयर होल्डर एंट्री क्या हो गई प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक कितना पैसा पे किया पांच लाख पहले क्या हो गया ड्यू फिर क्या किया पे पक्का पहले क्या किया ड्यू फिर क्या किया नहीं समझा श्योरली एडमिशन हो गया सर अब नेक्स्ट क्या होगा कैपिटल क्या करना है रिस्टोर एक बार रिडमिशन हो गया सर कितने का रिडमिशन किया कितने अमाउंट का अरे पांच लाख ना बेटा पांच लाख का रडमिशन क्या बेटा जी पांच लाख का कैपिटल क्या, क्या करना है रिस्टोर दोबारा बताए कितना रिडम्शन किया पांच लाख कैपिटल क्या करना है रिस्टोर रिस्टोर करने के लिए कितने ऑप्शन है एक तो शेयर इश्यू करो या फिर सियारा बनाओ या फिर कॉम्बिनेशन इस सब में क्या करेंगे क्यों बेटा क्वेश्चन में बोला है कंपनी के पास ऑलरेडी सर पीएनएल में साठ लाख अवेलेबल है क्या अगर पीएनएल में सफिशेंट पैसा है तो उस पीएनएल से हम कुछ प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकते कहां कहां पे पे सियारा यूज क्या करें कैपिटोर करने के लिए क्या करेंगे शेयर इश्यू करेंगे या सियारा बनेंगे सियारा बनाने के लिए क्या निकालेंगे प्रॉफिट कहां से पीएनएल और अब प्रॉफिट ट्रांसफर कहां करेंगे कहा सियारा क्या होता है कैपिटल रिडमशन रिजर्व आपको शेयर का मतलब समझ में आ रहा है क्या जो कैपिटल रिडम कर बेटा जी रहा का उसको रिस्टोर करने के लिए उसके बदले रिजर्व ला रहे वो कौन है सीआरआर जीपा का बेटा कितने का लेके आएंगे जितने का, का रिडमशन कर रहे उतने का कैपिटल रिस्टोर कितने रिडमशन कर रहे सर पांच लाख सब पांच लाख का सीआर क्या करेंगे क्रिएट बोल हाया ना अरे झिपते का नहीं समझा चलो सर ये हो गया अब बताओ इजी लग रहा है मुश्किल लग रहा है अब सर इसके अलावा देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते अब तक के सब में क्या था रिडमशन एड क्या था पार, पार।, पार। अब देखेंगे रिडम्शन एड प्रीमियम रिडमशन एड प्रीमियम तो क्या होगा मान लीजिए अब कंपनी के पास साठ हजार शेयर है ऑफ रुपीज टेन इंच कितने शेयर सर जी साठ हजार शेयर है ऑफ रुपीज टेन इंच हम इनका रिडम्शन कर रहे एट अ प्रीमियम ऑफ टेन परसेंट ओडमशन कैसे करें ऐट अ प्रीमियम ऑफ टेन परसेंट सर कंपनी के जब बुक्स में हमने झाँका सर बुक्स में हमने झाँका तो हमें क्या दिखाया जाए कंपनी के पास जनरल रिजॉर्व अवेलेबल था एटी फाइव लाख का और कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस अवेलेबल था ट्वेंटी फाइव लाख सर कितना रिजर्व अवेलेबल है एटी फाइव लाख का और प्रीमियम कितना अवेलेबल है पच्चीस लाख का कौन है सिक्योरिटी एक एक बात शांति सुना मेरी बात डेटा समझ में आ रहा है क्या अब सर देखो अब मुझे क्या करना है रिडम्शन सुन रहे मेरी बात पहली घटना क्या होगी ऑन रिडम्शन रिडम्शन में क्या होगा पैसा पे करेंगे नहीं पहले क्या होगा वेन मनी बिकम्स ड्यू रुडम्पन के टाइम पे क्या कैंसिल करेंगे क्या कैंसिल करेंगे प्रेफरेंस कैपिटल कैंसिल किया उसका पैसा क्या आ रहा है ड्यू किसको प्रेफरेंस शेयर के होल्डर एंट्री का भी बताइए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिटेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अब शांत सुना मेरी बात क्या कैंसिल हो रहा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ऐड क्या होता है फेस वैल्यू एक का कितना फेस वैल्यू 100 कितने प्रेफरेंस शेयर है 60 60 आते हैं आते हैं एक का कितना बड़ा है? फेस वाली दस है सॉरी फेस वाल दस है और कितने से कितना आएगा कैपिटल कैंसिल किया उसका पैसा क्या है ड्यू मेरा सवाल है प्रिफरेंस शेयर होल्डर को कितना पैसा ड्यू होगा ड्यू मतलब पेबल कितना पैसा पेबल होगा छ लाख या ज्यादा या कम छह लाख देंगे ना क्यों देंगे। हाँ सर रिडमशन क्या हैं? एड प्रीमियम अरे सर जी रिडमशन एड क्या है प्रीमियम बोलो या ना तो बच्चा लोग प्रिफरेंस शेयर होल्डर को कितना पैसा ड्यू होगा छ लाख या ज्यादा छ लाख का फेस वैल्यू था हम रिडमशन कर एड प्रीमियम तो फेस वैल्यू के छह लाख प्लस प्रीमियम के टेन परसेंट कितने होंगे दस तक का ना प्रीमियम दस तक का ना बेटा साठ आर फेस वैल्यू के छह लाख और प्रीमियम कितने आएंगे साठ हजार दोनों मिला कितना आएगा छ लाख साठ आर क्या हो रहा है ड्यू किसको फिर प्रिफरेंस शेयर को कितना ड्यू हो रहा है छह लाख या छह लाख साठ आर लाख किसके वैल्यू शेयर कैपिटल मतलब फेस वैल्यू छह लाख किसके वैल्यू और साठ क्या साठ आर क्या है अब सुनो इसको हम लोग बोलेंगे प्रीमियम ऑन रोडमशन क्या बोलेंगे रोडमशन के टाइम पे इतना प्रीमियम दे रहे बोलो हाया ना बोलो सर कितना फेस वैल्यू है छह लाख कितना प्रीमियम है फेस वैल्यू कितना है 6 लाख कितना प्रीमियम फेस वैल्यू के छह लाख और प्रीमियम के साठ फेस वैल्यू के छह लाख और प्रीमियम के साठ हजार दोनों मिला के कितने ड्यू रहे छह लाख साठ नहीं समझा सर

अब नेक्स्ट क्या होगा वेन मनी इज पेड सब पहले पैसा क्या होगा ड्यू फिर क्या करेंगे पे किसको पे कर रहे हैं प्रिफरेंस शेयर होल्डर को पहले पैसा क्या होगा ड्यू फिर क्या करेंगे पे किसको पे करेंगे प्रीफरेंस शेयर होल्डर को सब बोलो कितना पे करेंगे छह लाख ना? ना फेस वैल्यू के छह लाख भी देंगे और प्रीमियम के कितना देंगे छह लाख साठ हजार कोई दिक्कत एक बार ध्यान रखना देना कितना था छह लाख हम दे कितने रहे छह लाख साठ हजार कितना एक्स्ट्रा ये देठ हजार प्रीमियम ऑन कहने से साठ रुपए एक्स्ट्रा देन है कैपिटल लॉस है कौन है हमारा कैपिटल लॉस जितना एक्स्ट्रा दे वो कौन है कैपिटल लॉस ये दिमाग में रखना कितने का लॉस हो अपने को साठ आठ एक्स्ट्रा दे दिमाग में रहेगा पहले पैसा क्या हो गया ड्यू जल्दी बोलो किसको ड्यू हो रहा है प्रिफरेंस शेयर होल्डर एंट्री बोलो स शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड प्रीमियम ऑन रिडमिशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर फेल प्रीमियम मिला के क्या हो गया डिफरेंस शेयर होल्डर को फिर क्या करेंगे पे किसको एंट्री क्या होगी प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक पहले क्या हो गया डिव फिर क्या किया पे अब क्या करेंगे कैपिटल क्या करेंगे रिस्टोर कैपिटल क्या करेंगे रिस्टोर कैपिटल रिस्टोर करने के लिए कितने ऑप्शन है पहला इशो, इशो पहला इशो शेयर दूसरा क्रिएशन ऑफ सियारा पहला इशो ऑफ शेयर दूसरा क्रिएशन ऑफ पक्का पहले क्या इश्यू करेंगे शेयर पक्का शेयर इशू करेंगे दूसरा क्रिएशन ऑफ क्या होगा सियारा तीसरा इस क्वेश्चन में क्या करेंगे सियारा बनाएंगे बनाएंगे पहले देख अगर सियार के लिए कम पड़ेगा तो यूज करेंगे शेयर मुझे आता सीआरआर पहले मुझे आता है सर कितना कैपिटल रिस्टोर करना था पहले कितना कैपिटल रिस्टोर करना है छ लाख या छह लाख साठ हजार कितने बोलते छे लाख रिस्टोर करना है बिना शर्मा करें कितने बोलते छे लाख साठ हजार करना है छह लाख साठ हजार क्यों जितना पैसा दिया उतना करना क्या है रिश्तोर जितना पैसा दिया उतना करना है क्या अब कंपनी क्या बोलता है बात समझना का रोडमिशन करोगे प्लीज सुनना जब भी आप शेयर का रमेशन कर रहे हो तो जितने शेयर का रिडमशन हो प्लीज सुनना जितने शेयर का रहे हो उनके फेस वैल्यू जितना पैसा रिस्टोर करना है कितना yes. फिर तुम रिडमशन एड पार करो रिडम्शन एड प्रीमियम करो डिस्काउंट में तो करेंगे करेंगे नहीं लोग लेंगे नहीं भाई लोग आले देंगे अपने को हाँ कि नहीं क्या होगा पार रिडमशन एड प्रीमियम प्रीमियम भलेम्शन करो रिस्टोर कितना करेंगे फेस वैल्यू yes. अरे झीपा क्या बेटा नहीं समझा फिर से बताओ जब भी तुम क्या करोगे रिडम्शन रिडम्शन के टाइम पे रिस्टोर कितना करोगे फेस वैल्यू ऑफ प्रिफरेंस रिडीम फेस फेसर रिडीम ये मैं वर्ड यूज क्यों कर रहा हूं कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मान लो कंपनी के पास टेन थाउजेंड प्रिफरेंसर है कितने टेन थाउजेंड आपने सिक्स थाउजेंड प्रिफरेंस रिडीम किए फोर थाउजेंड रिडीम नहीं किए कितने टेन थाउजेंड रिडमशर कितनों का किया सिक्स थाउजेंड चार रिडमशन था नहीं किया तब कैपिटल कितनों का रिश्तों करोगे पूरे दस सारे छह हजार छह हजार जिनका रिडमिशन का है? जिनका रिडमिशन और उनकी फेस वैल्यू का पैसा क्या करोगे रिश्तोर कितनी फेस वैल्यू है छह लाख उतना करना है क्या है रिश्तों तो दिमाग में रखो छह लाख क्या करना है रिश्तोर छह लाख क्या करना है रिश्तोर पहले सोचा सियारा से करते हैं सीआरआर के लिए हमारे पास कौन है जनरल रिजर्व हम गे जनरल रिजर्व के पास रिजर्व का बोला भाई कैपिटल रिस्टोर करना है हम सियारा बनाना चाहते हैं रिजर्व कितना मांगता है हमने बोला भाई हमें सिर्फ चाहिए छह लाख कितना छह छह लाख रिजर्व छह लाख रिजर्व कहता है मेरे पास कितना है है लाख मेरे पास कितना हा बोलो सर कैपिटल स्टॉक कितना मांगता था छह लाख कितना अवेलेबल है एटी फाइव लाख पक्का सफिशंट है क्या पक्का नहीं है शोली बनाओ सियारा शोले बेटा बोलो सियारा का पैसा कहां से निकालो जनरल रिजर्व से ट्रांसफर कहां करेंगे सिया कितना सर जी लाख पक्का फिर सर पैसा कहां से निकाला जनरल रिजर्व ट्रांसफर कहां किया कितना क्या सर छह लाख कोई दिक्कत यार बोलो सर रिपीट कर क्लियर है क्लियर है शोले हंड्रेड परसेंट चलो पहले पैसा कहां से निकाला रिजर्व ट्रांसफर कहां पर सियारा ओके रिडमोशन हो गया कैपिटल रिस्टोर हो गया पक्का अब क्या करेंगे अब क्या करेंगे पता है क्या क्या लॉस करेंगे राइट right ऑफ अब क्या करेंगे लॉस क्या करेंगे राइट right ऑफ सर याद होगा आपको पहले लॉस हुआ था ना किस नाम से लॉस था प्रीमियम ऑन रिडमशन प्रीमियम ऑन इस लॉस को क्या करेंगे राइट right ऑफ ये कैपिटल लॉस है कैपिटल लॉस को हम राइट ऑफ करेंगे कैपिटल प्रॉफिट हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम ना का प्रॉफिट है उससे क्या करेंगे राइट right ऑफ कितना लॉस हुआ है साठ हर का लॉस हुआ है क्या उससे क्या करेंगे राइट ऑफ किस सिक्योरिटी प्रीमियम अरे जे प्राय क्या बताओ अब क्या करेंगे सर लॉस नेक्स्ट एंट्री क्या होगी व्हेन लॉस इज रिटर्न ऑफ व्हेन लॉस इज रिटर्न ऑफ क्या ऑफ करना है शांति से बताओ लॉस किस नाम से था लॉस किस नाम से था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लॉस किस नाम से था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पहले क्या था डेबिट पहले क्या था राइट right ऑफ के लिए क्या होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पहले क्या था डेबिट राइट ऑफ के लिए क्या होगा बोलो हा या ना अरे झेपता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पहले क्या था डेबिट राइट ऑफ के लिए क्या होगा क्रेडिट पक्का पहले क्या था डेबिट राइट ऑफ के लिए क्या होगा नहीं समझा उसको किसमें राइट ऑफ किया सिक्योरिटी प्रीमियम किसमें सर जी सिक्योरिटी प्रीमियम से क्या क्या राइट right ऑफ क्या बोलो हा या ना सर कितना प्रीमियम है साठ हजार का प्रीमियम है वहां से क्या करेंगे हम लोग राइट ऑफ बोलो यस और नो कोई तकलीफ कोई क्वेरी अरे झेपाई का ऊपर जा रहा है दिमाग में जा रहा है बेटा जी पक्का इसके बारे पूरी से नोट्स में से तीन से चार क्वेश्चन करेंगे सारा कौन सा समझा बेटा जी पहले रमेशन करने पहले पैसा क्या होगा ड्यू फिर पे पे, पे किया रमेशन हो गया कैपिटल रिस्टोर और लास्ट में लॉस क्या करेंगे राइट ऑफ हर संघ यही घिसी पेटी कहानी ठीक है अब सर देखो क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर सर सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे अच्छे से देखें, पहला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट चलो क्वेश्चन वन चलो बच्चा लोग फर्स्ट सम ढांस देखेंगे इसमें घर में बहुत हो रहे है ना आज क्या पता नहीं ये कुछ तो ना इसी का रिमोट तो रखते कुछ सेटिंग में गड़बड़ करते इसकी वजह से प्रॉब्लम होता है नहीं नहीं उधर मत रखते जाओ तुम लोग इसी का रिमोट ना उधर सामने रखते जाओ नहीं ये कुछ ना सेटिंग में तुमने गड़बड़ किया बाकी कुछ नहीं बाकी एकदम बढ़िया है पास कर दादा चलो सब फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए लो बेटा सम बस हरीज बोला सर दिल्ली आकर देखिए पुणे में वापस ठंड लगने लगेगी दिल्ली में सच में बहुत गर्मी भयंकर आ? दिल्ली में दिल्ली में अच्छा सब जगह बढ़ गया अरे चलो सर आ क्वेश्चन पढ़ाया पढ़ाएगा आप लोगों ने मैं पढ़ना कश्लू मैं पढ़ू थैंक यू सो मच मंडापला भारी है ठीक है ना सर एक वहाँ नहीं नहीं तुम भी पढ़ लो मैं पढ़ लेता हूँ दोनों साथ में पढ़ लेते हैं ठीक है ना बस एग्जाम तुम तो लोग देने जाना ठीक है ना हाँ और मुझे बोलना देखो सर क्या हो गया कुछ की इच्छा तो मैं जाता हूं ठीक है ना के दे चलो चलो क्वेश्चन वन फिफ्टीन थाउजेंड नाइन परसेंट रिडीमेबल प्रिफरेंशियल सर कितने प्रिफरेंशियर है फिफ्टीन थाउजेंड वो क्या नंबर ऑफ प्रिफरेंशियर है क्या नाइन परसेंट क्या रेट ऑफ डिविडेंड

बाद में क्या रहा है देआर नाउ रेडी फॉर रिडमशन अब रिडमशन के तैयार है कंपनी हैज हैजूमिलेटेड रिजर्व सर कंपनी के पास बहुत सारा रिजर्व जमा है जैसे बोला कंपनी के पास रिजर्व एकट हुआ है रिजर्व जमा है क्लिक करना चाहिए अरे रिजर्व अवेलेबल है रिजर्व से क्या बनेगा सिया रिजर्व क्या बनेगा सियारा और क्या बोला है अमाउंट ऑफ विच इज इन मच एक्सेस ऑफ सम रिक्वायर्ड फॉर रिडम्शन इतना रिजर्व है ना उसका पैसा क्या मच एक्सेस है भयंकर उसका पैसा अवेलेबल है जितना रिडम्शन के लिए चाहिए उससे ज्यादा पैसा अवेलेबल है बोलो हाया ना सर नहीं समझा

कितनों के लिए कितना दे रहे? सौ के बदले क्या एक सौ बारह चलो एंट्री पास करने मुझे सर। के टाइम पे पहले क्या होगा मनी बिकम्स ड्यू सब पहले पैसा क्या होगा ड्यू रुडमशन किया प्रिफरेंस क्या किया कैंसल प्रीफरेंसर का डेबिट हो गया उसका पैसा क्या आ रहा है ड्यू किसको? को प्रिफरेंस शेयर होल्डर बड़े मेरा सवाल है प्रीफरेंस शेयर होल्डर को प्रीफरेंस शेयर कैपिटल मतलब सिर्फ फेस वैल्यू देना है प्रीमियम देना है प्रीफरेंस मतलब फेस वैल्यू और साथ में क्या देना है प्रीमियम ऑन रूडमशन हमें फेस वैल्यू भी देना है और साथ में क्या देना है प्रीमियम ऑन रूडमशन अरे झेपता है क्या बोल सर एक का कितना फेस वैल्यू है सो कितना प्रीमियम है बारह एक का फेस वैल्यू सो प्रीमियम बारह इंटू कितने प्रिफरेंस शेयर है पंद्रह हजार एक का फेस वैल्यू सो कितने शेयर है सर पंद्रह हजार कितना आएगा पंद्रह तो लाख आ रहा है क्या फिर प्रीमियम फेस वैल्यू के पंद्रह लाख और प्रीमियम के एक लाख अस्सी हजार कितने होंगे? तो सोलह लाख अस्सी हजार क्या होंगे? ड्यू किसको प्रिफरेंस शेयर होल्डर अरे है क्या? फेस वैल्यू के पंद्रह लाख प्रीमियम के एक लाख अस्सी कितने होंगे? सोलह सी के आओगे किसको प्रीफरेंस शेयर पहले पैसा क्या हो गया ड्यू फिर क्या करेंगे वेन मनी इज पेड पहले पैसा क्या हो गया डियो फिर क्या करेंगे पे किस को पे करेंगे एंट्री क्या होगी प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक पहले पैसा क्या हो गया डिओ फिर क्या करेंगे पे फिर क्या करेंगे पे किस को पे करेंगे प्रिफरेंस शेयर होल्डर को पहले पैसा क्या होगा डियो फिर क्या करेंगे पे पक्का नहीं समझा पहले क्या हो गया ड्यू फिर क्या करेंगे पे किसको पे करेंगे प्रिफरेंस शेयर होल्डर को श्योरली बेटा जी ओके okay. नहीं समझा ओके okay. पहले क्या हो गया ड्यू फिर पे, पे कितना पे करेंगे सोलह लाख अस्सी हजार जिपते का नहीं समझा श्योरली पहले पैसा क्या हो गया ड्यू फिर क्या करेंगे पे उसके बाद नेक्स्ट कैपिटल क्या करना है रिस्टोर कैपिटल क्या करना है रिस्टोर सब बताइए अब कैपिटल रिस्टोर करना है क्या रिस्टोर करने के लिए हम क्या करेंगे शेयर इश्यू करेंगे सीआरआर सीआरआर क्यों रिजर्व अवेलेबल है कैपिटल कितना रिस्टोर करेंगे फिफ्टीन लाख या सिक्सटीन लाख एटी थाउजेंड क्यू जितने प्रिफरेंसर का रमशन क्या उसके फेस वैल्यू जितना कितना फेस वैल्यू सर फिफ्टीन लाख yeah. कितना फेस वैल्यू पंद्रह लाख उतना क्या करेंगे रिश्तोर कितना फेस वैल्यू है फिफ्टीन लाख उतना क्या करेंगे रिश्तोर जी के बेटा फेस वैल्यू क्या करना है रिश्तोर पक्का अभी भी गर्मी इधर भी ठीक हो ना लग रहा है इधर थोड़ा कम कर लेते क्या हो गया वहां पे आ रहा है क्या क्या बोल रहा है? क्या एक बार चेक करो बस तुम लोग बताओ मुझे चलो सर सर क्या पर करना है रिश्तों ने पैसा कहां से निकाला रिजोर से निकाला ट्रांसफर कहां पे करेंगे सर मुझे आता है कितना रिश्तों करेंगे फेस वैल्यू सर कितना फेस वैल्यू है 15 लाख सर कितना फेस वैल्यू सर जी 15 लाख उतना रिश्तों करना है वो ट्रांसफर कहां पे किया सीआरआर अरे जेपा क्या बेटा पंदा निकाल के कहा पे डाला सर सी अरे जेब है का ओके okay. सर एक बार कैपिट स्टोर हो गया लास्ट में क्या करेंगे लॉस क्या करेंगे राइट ऑफ किधर लॉस सर जो प्रीमियम पे किया ना वो लॉस है क्या कितना प्रीमियम पे किया सर एक लाख अस्सी हजार का प्रीमियम पे किया वो आपके लिए क्या है लॉस है उसे करना है क्या राइट ऑफ लास्ट में क्या होगा वेन लॉस रिटर्न ऑफ लॉस राइट ऑफ करने के लिए लॉस कहा है? प्रीमियम ऑन रडमिशन वह पहले क्या था डेबिट अब क्या होगा लॉस राइटर किसमें से करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम एंट्री याद है क्या बोलो क्या एंट्री है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रडमशन बोलो क्या एंट्री सर जी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन रडम्यूशन कितना आ गया बोलो सर एक लाख अस्सी हजार एक लाख अस्सी हजार कोई दिक्कत यार सबको झिपा क्या स्पीड ठीक है बोलो सर इजी लग रहा है मुश्किल लग रहा है टाइम पास है श्योरली अब से इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू को देखिए एकदम ईजी चलो फटाफट क्वेश्चन टू को देखिए क्या हो गया हाँ बता बताऊंगा अभी तो ये तो शुरुआत सब बताऊंगा मैं आपको टेंशन मत लो रिजर्व यूज़ करेंगे या पीएनएस सब बताऊंगा मैं आपको आगे इसके अलावा और भी दो तीन ऑप्शन होते हैं इजी लग रहा है क्या बेटा चैप्टर तो हल्का कुछ मुश्किल नहीं है और क्या तुम अभी तो इतना सब पढ़ने के बारे में बहुत ईजी लगेगा आपको नहा सौरभ बॉटल भरना है मतलब पूछ रहा मतलब आने बोला पूछा नहीं करके आ? चलो हाँ चलो सर क्वेश्चन टू को बड़े फटाफट कमा yes, प्रश्न क्रमांक दोन you, you, you. चलो क्या दिया फ्यूचरिस्टिक इंडिया लिमिटेड हैज अ पार्ट ऑफ इट शेयर कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ टेन थाउजेंड नाइन परसेंट एम प्रिफरेंसियर कितने शेयर है दस आर एक शेयर कितने का है सो का रमश क्या हो रहा है प्रीमियम सो किल कितना देंगे एक सौ दस सौ के लिए दस नाउ द प्रिफरेंस तैयार है क्या आप तैयार हो वेरी गुड थैंक यू आरम ओके इट हैज बीन डिसाइडेड दैट द दोल अमाउंट वुड बी रिडीम बाय द वे ऑफ फ्रेश फ्रेशू ऑफ वन लैक इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन इच यार यारमशन करने से कैपिटल कम होगा उसे करना क्या पड़ेगा रिस्टोर कैपिटल क्या, पड़े क्या करेंगे रिस्टोर रिस्टोर करने के लिए आराम जरा तू ठीक है ना चलो सर कैपिटल क्या, क्या कर रहे रिस्टोर रिस्टोर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं बोलो को सियारा बना रहे शेयर इशू कर रहे क्या इशू कर रहे शेयर कितने फ्रेश शेयर इशू किए लाख शेयर इशू के ऑफ रुपीज टेन इज वो भी एट अ प्रीमियम ऑफ फिफ्टीन दस का शेयर कितने में इशू किया ठीक से बोल रहा हूं दस का शेयर पंद्रह में इशू किया या पंद्रह के प्रीमियम के साथ इशू किया 15 के के प्रीमियम साथ तो टेन का शेयर इशू किया ट्वेंटी फाइव में पंद्रह में इशू नहीं किया पंद्रह के प्रीमियम के साथ तो दस तो प्लस पंद्रह कितना हो गया ट्वेंटी फाइव अरे समझा क्या अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर टू एंट्री पास करने अपने को चलो सर सबसे पहले क्या करेंगे पहले रिडमशन के लिए वेन मनी बिकम्स ड्यू बोलो सर कितने टेन थाउजेंड नंबर ऑफ शेयर याद है क्या कितने के लिए कितना दे रहे सौ के लिए कितना एक सौ दस बोलो सर रिडमशन एड क्या है ये परिषा बोले सर डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो विदाउट जनरल एंट्री करेंगे बेटा सब पढ़ाऊंगा बेटा हाँ नहीं 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 पहले बेटा हरे के पेशेंस रखो सब चीज़ सिखाऊंगा मैं आपको ठीक है ना हाँ अभी ये सीख लो जब एम सी करेंगे तो ओरली सब करना सिखाऊंगा मैं आपको हाँ कि नहीं बेस्ट से परफेक्ट कर लो हाँ ठीक है ठीक है संगित लो मैं चिंता करो रोका ठीक है ना चला समझ लो चलो वेन मनी बिकम्स ड्यू हाँ बोलो नाले का एंट्री पैसा किसको डी हो रहा है किसको डी हो रहा है प्रीफरेंस शेयर होल्डर किसका डी होगा फेस वैल्यू या प्रीमियम भाई दोनों होगा ना फेस वैल्यू भी डी होगा एंड प्रीमियम भी डी होगा एंट्री क्या होगी प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड प्रीमियम ऑन प्रोडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर पक्का फेस वैल्यू भी क्या आ रहा है ड्यू और प्रीमियम भी क्या आ रहा है ड्यू प्रिफरेंस कैपिटल डेबिटेड प्रीमियम ऑन रिडमशन अकाउंटेड टू प्रीफर शेयर फेसल्यू का पैसा कितना है? दस का. एक सौ ड्यू हो रहा है क्या कितने शेयर है दस हजार एक का फेल्यू सो कितने शेयर है दस हजार कितना आएगा दस लाख आ रहा है क्या एक का प्रीमियम दस दस हजार का फेस वैल्यू के दस लाख और प्रीमियम के एक लाख कितने होंगे? 11 ग्यारह लाख डी ओ रहे क्या फेस yes! वैल्यू के दस लाख प्रीमियम के एक लाख ग्यारह लाख डी ओ रहे क्या yes! पहले पैसा क्या आ रहा है डिओ फिर क्या करेंगे पे वेन मनी इज पेड थैंक यू पहले पैसा क्या हो गया डी फिर क्या करेंगे पे वेरी गुड बेटा कुबारे तो होता होता अच्छा। सर आदमी का ध्यान नहीं रहेगा मन कहीं पर अलग रहेगा तो होता है ऐसा, ठीक है ना ओके okay. सब पहले पैसा क्या हो गया डिओ फिर क्या किया पे कितना पे क्या सर ग्यारह लाख पे क्या क्या अब क्या करेंगे सर कैपिटल क्या करेंगे रिस्टोर अब शांति से मुझे बताइए कैपिटल रिस्टोर करने कैपिटल रिस्टोर करने के लिए क्या करेंगे सियारा बनाएंगे या शेयर इशू करेंगे क्यों शेयर इशू करेंगे क्वेश्चन बोला है क्या इश्यू कर रहे शेयर सब मुझे कितने शेयर इश्यू कर रहे है? एक लाख शेयर इशू कर रहे क्या कितने का शेयर कितने में दस का शेयर ट्वेंटी फाइव में दस का शेयर इशू एड क्या दोबारा बताओ तो करने के लिए क्या करेंगे शेयर इश्यू करेंगे इशू ऑफ शेयर सर शेयर इशू कैसे कर रहे हैं एड प्रीमियम वॉट इज अ जर्नल एंट्री वेन शेयर आर इशूड एड प्रीमियम एंट्री क्या होगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम पहले एक का मान लिखू क्या शेयर कैपिटल में एक का कितना है दस प्रीमियम शेयर कैपिटल दस प्रीमियम पंद्रह कितना हो गया पच्चीस अरे झेपता है का नहीं समझा ऐसा पच्चीस का क्या था शेयर इश्यू किया ना बेटा ऐसे कितने शेयर थे कितना आएगा बोलो एक का आएगा पच्चीस एक लाख शेयर का ट्वेंटी फाइव लाख एक का कितना आ गया दस एक लाख का और यहां पे सुनो यहां एक ट्विस्ट है शेयर इश्यू किए क्यों क्या इशू पहले ये भी चेक करना पड़ेगा क्या शेयर इश्यू करने से कैपिटल प्रॉपर रिस्टोर हुआ है क्या या कुछ शॉर्टफॉल हो गया कुछ शॉर्टफॉल होगा सर बाकी बैलेंस अमाउंट के लिए सियारा बनाना पड़ेगा हा कि नहीं okay. तो चेक करो जितना आपको कैपिटल रिस्टोर करना था उतना ही शेयर रिस्टोर हुआ है क्या तो मुझे पहले उसके लिए बनाना पड़ेगा वर्किंग नोट तो नोट वन में क्या लिखूंगा कैपिटल टू बी रिस्टोर कितना रिस्टोर करा अभी ये पार्ट एमसीक्यू में काम एमसीक्यू में अपन सब कुछ नहीं करेंगे एमसीक्यू इतना ही करेंगे अपन लोग कैपिट टू बी रिस्टोर अब बताओ क्या पहले बताओ कैपिट रिस्टोर क्यों कर रहे हो रिडमेशन क्या रिस्टोर क्यों कर रहे हो रिडमशन क्या सर अभी देखो दस लाख के प्रिफरेंस शेयर थे रिडमेशन में कितना दिया ग्यारह लाख दस लाख के प्रिफरेंस शेयर थे रिडमेशन में कितना दिया ग्यारह लाख मेरा पहला सवाल है कितना पैसा रिस्टोर करोगे टेन लाख या इलेवन लाख कितना पैसा रिस्टोर करोगे टेन लाख या इलेवन लाख टेन लाख क्यों फे सोल्यू क्या करेंगे रिस्टोर दोबारा बोलो कितना पैसा रिस्टोर करेंगे दस लाख को फे सोल्यू क्या करेंगे रिस्टोर जितना क्या है फे सोल्यू वो क्या करेंगे रिस्टोर रिश्तोर बोल ना बोलो सर कितना फे सोल्यू दस लाख वो रिस्टोर करना है क्या सर फे सोल्यू क्या है सर जी दस लाख वो रिस्टोर करना है यस और नो आप बताओ कैपिटल रिस्टोर करने के लिए कैपिटल रिस्टोर करने के लिए कितने ऑप्शन थे अब हम किसका सहारा ले रहे इशू ऑफ शेयर से कैपिटल रिश्तों करना कितना था दस लाख उसे उसके लिए क्या कर रहे शेयर क्या कर रहे इशू मेरा सवाल है शेयर इशू करके शेयर इशू करके कितना कैपिटल रिश्ते हुआ है दस लाख पंद्रह लाख या पच्चीस लाख शेयर इशू के शेयर इशू करके कितना कैपिटल रिश्ते हुआ है दस लाख क्यों तो सिंपल लॉजिक है आपको रिश्तो करना क्या था रिश्तो करना क्या था फेस वैल्यू क्या करना था फेस वैल्यू फेस वैल्यू इज रिस्टोर ओनली बाय फेस वैल्यू तो रोडमशन का प्रिफरेंस बेटा जी कैपिटल क्या करना है रिश्तो हम रिश्तो क्या करेंगे फेस वैल्यू रिस्टोर करने के लिए हम ओनली क्या लेंगे फेस वैल्यू अगर आप शेयर इश्यू कर रहे हो क्या इश्यू कर रहे हो शेयर भले शेयर इश्यू एट पार करो या इश्यू करो एड प्रीमियम इश्यू करो भले एट इश्यू को एड प्रीमियम हम रिश्तो किससे करेंगे किससे करेंगे सर जी फेस वैल्यू नहीं समझा सर फेस वैल्यू कैन बी रिश्तो ओनली ओनली बाय बाय फेस वैल्यू अरे कल का no. नहीं समझा फेस वैल्यू है कितना फेस वैल्यू रिश्तो करना क्या था फेस वैल्यू कितना दस लाख रिश्तो भी किससे हो गया सर फेस वैल्यू कितना दस लाख अब बताओ क्या शेयर से रिश्तो प्रॉपर हो रहा है क्या रिश्तो करना कितना था दस लाख फेस वैल्यू कितना हो रहा है दस लाख फेसल हो रहा है क्या सफिशिएंट है कुछ कम पड़ रहा है कुछ सियारा चाहिए तो कैपिटल क्या हो गया रिस्टोर लॉस में क्या करेंगे लॉस क्या करेंगे राइट ऑफ लॉस राइट ऑफ करना लॉस किस नाम से प्रीमियम ऑन रिडम्शन कितना लॉस है एक लाख लॉस किस नाम से प्रीमियम ऑन रिडम्शन कितना लॉस क्या करना है राइट ऑफ किसके अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम एंट्री क्या, क्या होगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू क्या होगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लॉस क्या करेंगे राइट right ऑफ right कितना एक लाख लॉस राइट ऑफ करने के लिए लॉस कहा सिक्योरिटी प्रीमियम किससे समझा के बेटा जी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ करें सिक्योरिटी प्रीमियम थोड़ा बहुत झेपा क्या नहीं समझा ऊपर जा रहा है कोई दिक्कत चलो शानदार जिनको लास्ट पर हल्का सा चिंता कर बेटा अच्छी इसके ऊपर और एक दो क्वेश्चन करेंगे मैं समझा दूंगा क्वेश्चन टू हो गया बेटा अब सर क्वेश्चन नंबर थ्री सेम टाइप का है अब क्वेश्चन थ्री की एंट्री आप पास करेंगे चलेगा मैं डिस्कस करके दूंगा ये पूरा आप सॉल्व करेंगे पक्का चलो क्वेश्चन थ्री को पढ़िए प्लीज

उसके लिए क्या इशू किया इक्विटी शेयर कितने इक्विटी शेयर पचास हजार शेयर अब बताओ कितने का शेयर कितने में इशू किया? टेन पॉइंट सिक्स में इशू किया टेन का शेयर टेन पॉइंट सिक्स में फेस वैल्यू कितना है टेन प्रीमियम पॉइंट सिक्स फेस वैल्यू टेन प्रीमियम पॉइंट सिक्स कितने शेयर इशू के पचास पक्का चलो उर्ली बता पहले पहले एंट्री क्या होगी अमाउंट क्या होगा ड्यू किसको प्रिफरेंस शेयर होल्डर एंट्री क्या होगी प्रिफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड प्रीमियम और रिडमशन अकाउंट डेबिटेड टू प्रिफरेंस शेयर होल्डर फिर पैसा क्या करेंगे पे एंट्री क्या होगी प्रिफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक फिर कैपिटल क्या करेंगे रिस्टोर उसके लिए क्या क्या शेयर क्या क्या इश्यू एड प्रीमियम और लास्ट में लॉस क्या करेंगे राइट right ऑफ yeah. कर पाएंगे yeah. चलो फास्ट फास्ट करो चार एंट्री तो पास करें बेटा जी हो जाएगा तीन चार मिनट में कुछ एंट्री चाहिए बोर्ड के देखने कुछ एंट्री देख देखने रेफरेंस के लिए ठीक है जिनको मांगता बस क्वेश्चन का फोटो निकालो जिनको मांगता है क्वेश्चन का फोटो निकालो क्वेश्चन चाहिए होगा तो तो आपको क्वेश्चन आपके सामने होगा मैं स्क्रीन चेंज करने जा रहा हूं जिनको मांगता है क्वेश्चन का फोटो निकालो ओके यूट्यूब वाले स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दिन क्वेश्चन का फोटो निकाला चलो अभी ठीक है जो चाल बफरिंग हो रहा था अभी ठीक है क्लियर है क्वेश्चन थ्री कर तब तो तक के लिए बेटा चलो किया पहले एंट्री पास किया बेटा आपने बोलो फर्स्ट एंट्री क्या आ रही है क्या फिर मनी पे किया क्या कितना आ रहा है प्रीफरेंस शोल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक कितना पांच लाख तीस हजार किसके पहले दोनों एंट्री हो चुके हैं किसके बाकी पहले दो एंट्री में से कुछ पहले दो एंट्री हो चुके हैं नेक्स्ट क्या क्या, 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 क्या क्या करेंगे कैपिटल क्या करेंगे रिश्तों शेयर इशू क्या उसके लिए एंट्री क्या बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना अमाउंट पांच लाख तीस हजारेयर कैपिटल पांच लाख टू प्रीमियम पक्का क्या रिश्तों कितना हो रहा है बताइए रिश्तों करना भी कितना था पांच लाख रिश्तों पांच लाख हो रहा है क्या बोलो हा या ना या नो फिर क्या करेंगे बताइए लॉस क्या करेंगे राइट ऑफ लॉस क्या करेंगे राइट ऑफ किस में से सिक्योरिटी प्रीमियम एंट्री क्या होगी सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिटेड टू प्रीमियम ऑन प्रिडम्शन सबको चेपा क्या कितना रहा है सर तीस हजार श्योरली डन कितनों का बाकी हो रहा है बेटा चलो फास्ट फास्ट करो किसके सारे एंट्री हो गए गुड जिसका बाकी एक मिनट पूरा कर लो नहीं जमना सबको करने को कॉन्फिडेंस आ रहा है अब सर अब तक हमने जो क्वेश्चन किए थे ना उसमें एक तो पूरा का पूरा रिश्तों था सियारा से या पूरा का पूरा शेयर से अब क्वेश्चन आएंगे कॉम्बिनेशन के, के. मैं थोड़ा पैसा शेयर थोड़ा पैसा सियारा अब आएगा कॉम्बिनेशन वाला समय आएगा क्या बेटा सब बताऊंगा वो सब चीज कैसे बताओ मत कर अभी बताऊंगा धीरे धीरे लास्ट एंट्री में लॉस राइट ऑफ किया है कुछ नहीं जितना भी लॉस था राइट ऑफ करो कहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम सेट ऑफ करो चलो हो गया डन हो गया इसे बिल्यू करो चलेगा बच्चों चलो अभी सर क्वेश्चन नंबर फोर चलो फटाफट क्वेश्चन फोर को ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन फोर फाइव उसके बाद फोर फाइव देखो चलो क्वेश्चन फोर और फाइव एक काम करते सुनो क्वेश्चन फोर फाइव सॉल्व करने पहले कंसेप्ट पहले बताता दो उससे अच्छा समझे अच्छे से सुनो बेटा लिसन टू भी सबका ध्यान है बेटा सुनो बेटा मान लीजिए एक कंपनी बेटा मान लो एक कंपनी के पास ना पांच लाख का प्रिफरेंस कैपिटल है पांच लाख का प्रिफरेंस कैपिटल है उन्हें रिडम्शन करना है रिडम्शन करना है एट अ प्रीमियम ऑफ टेन सब पांच लाख का प्रिफरेंस कैपिटल है उन्हें करना है क्या सर जी रिडमशन कैसे करना है एट ए प्रीमियम ऑफ क्या है टेन परसेंट रिडोमिशन कैसे करेंगे एट ए प्रीमियम ऑफ टेन परसेंट नहीं समझा सर रिडोमशन करेंगे एट ए प्रीमियम ऑफ टेन परसेंट सर मुझे बताओ रिडमशन करने के लिए क्या करेंगे कैपिटल क्या करेंगे रिस्टोर सर कंपनी उसके लिए शेयर इशू कर रही है शांति सुनना कंपनी के पास मान लो बच्चों कंपनी के पास जनरल रिजर्व में जनरल रिजर्व में कंपनी के पास कुछ तो दस लाख का बैलेंस अवेलेबल है Okay, रिजो में लाख बैलेंस अवेलेबल है अब कैपिटल रिश्तों करने के लिए कंपनी क्या कर रही है शेयर इश्यू कर रही है इश्यू ऑफ शेयर अब यहां पे तीन केस केस वन मान लो केस के मान लीजिए कंपनी चालीस हजार शेयर इश्यू किए ऑफ रुपीज टेन इच ऑफ रुपीज टेन इच और, और शेयर इश्यू किया एट पार शेयर इश्यू किया एट पार मान लो केस टू में कंपनी ने अगेन चालीस हजार शेयर इश्यू किए रुपीज टेन इंच बट शेयर इश्यू किया एट अ प्रीमियम ऑफ एट अ प्रीमियम ऑफ टू रूपीज और तीसरी केस में देखना कंपनी ने क्या किया केस थ्री में क्या किया कंपनी ने अगेन चालीस हजार शेयर क्या के इश्यू किए शेयर था कितने का दस का और इशू कैसे किया एट डिस्काउंट ऑफ पंद्रह परसेंट डिस्काउंट ऑफ पंद्रह परसेंट पक्का और ये तीनों केस में मुझे सॉल्व करना है एंड कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सी आर मुझे निकाल अमाउंट ऑफ सी आर एकदम शांति से दिख मेरी बात मैं क्वेश्चन को देख के निकल फटाफट पढ़ लो क्वेश्चन पढ़ा श्योरली अब सर इस सब देखो सर कितना कैपिटल है पांच लाख कैपिटल है रिडमिशन करना है क्या बोला है प्रीमियम तो देना कितना पांच लाख पचास रिस्टोर करना है कैपिटल हमारा रिजर्व भी अवेलेबल है और हम क्या इश्यू कर रहे हैं शेयर शेयर के लिए कितने केस दिए तीन कभी शेयर इश्यू क्या पार कभी एड कभी, के कभी के? तीनों के साथ मुझे निकालना है अमाउंट ऑफ शेयर अब इस क्वेश्चन बच्चों में जनरल एंट्री पास करते नहीं बैठूंगा अब डाय करेंगे पॉइंट एमसीट से चलो एमसी में डायलि करना है एमसीडी क्वेश्चन आएगा फाइंड द अमाउंट ऑफ सियारा चलो मैं मुझे पहले बताइए हम सियारा क्रेडिट क्यों करते हैं कैपिटल रिस्टोर करने के लिए हमारे पास कितने शेयर थे पांच लाख प्रोडमोशन कितने में कर रहे हैं <laughs> मतलब पांच लाख पचास हजार प्रतिशत था कितने का पांच लाखमोशन पांच लाख पचास हजार पक्का चलो केस वोन की बात करते हैं चलो पहले मुझे बताइए कैपिटल टू बी रिस्टोर आप बताइए कैपिटल कितना रिस्टोर करना है पांच लाख या पांच लाख पचास अरे पांच लाख पचास लाख क्यों फेस वैल्यू जितना फेस वैल्यू उतना कैपिटल क्या करना है रिस्टोर अरे जेपा का बेटा दोबारा बताए क्या करना है कैपिटल क्या, 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 क्या करना है रिस्टोर कितना सर नहीं समझा सर कैपिटल क्या करना है रिस्टोर सर कितना रिस्टोर करना है पांच लाख झिपता है क्या बेटा पांच लाख का कैपिटल क्या करना है रिस्टोर सर आप मुझे बताइए कैपिटल रिस्टोर करने के लिए कैपिटल रिस्टोर करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन थे तीन पहला इश्यू ऑफ शेयर दूसरा सीआरआर तीसरा इस सब में शेयर से पैसा रेस करेंगे या सीआरआर से या दोनों के कॉम्बिनेशन थोड़ा पैसा शेयर थोड़ा पैसा शेयर तो मुझे दिख रहा है सर सीआरआर आर आपको पता चलेगा पहले देखते हैं शेयर से मुझे पहले बताओ कितना पैसा रिस्टोर करना था पांच लाख बताओ सबसे पहले किसका इस्तेमाल कर रहे शेयर केस वन में देखो सर कितने शेयर इशू के चालीस सात शेयर एक शेयर था कितने का दस का इशू कैसे मुझे बताइए कितने शेयर इशू के चालीस साल एक का फेसल कितना आ रहा है दस बोलो सर शेयर से कितना रिस्टोर हो गया चार लाख बस एक मिनट बेटा चलो बेटा बेटा मुझे बताओ सुनो शेयर से कितना होगा रिश्तों के बताइए बच्चों चार लाख हो गया ना कितने शेयर थे चालीस हजार एक का फैसला कितना आ रहा है दस कितना आएगा चार लाख सर रिश्तों करना कितना था पांच लाख शेयर से पूरा पांच लाख हुआ रहेगा ना नहीं हुआ कितना हो गया चल रिश्त करना कितना था पांच लाख कितना मिला शेयर से चार लाख कितना कम पड़ रहा है तो बाकी एक लाख के लिए क्या बनाएंगे सीआरआर समझा बेटा जी पक्का रिश्तों करना कितना था पांच लाख कितना मिला शेयर से चार लाख कितना कम पड़ रहा है एक लाख एक लाख क्या बना है वही पूछेंगे अमाउंट ऑफ लाख कैपिटल रिस्टोर कितना करना था सर कैपिटल रिस्टोर कितना करना सर जी पांच लाख रिस्टोर करना है क्या सर कैपिटल रिस्टोर करने के लिए कितने ऑप्शन है अभी किससे करेंगे शेयर से सी आर आर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन पहले किससे रिश्ते करेंगे शेयर से कम पड़ा तो yeah. पहले किससे शेयर से yeah. कम पड़ा तो yeah. अब ध्यान दो केस टू में कितने शेयर इशू के yeah. चालीस शेयर इशू के दस का शेयर इशू कैसे क्या एट अ प्रीमियम ऑफ टू दस का शेयर इशू क्या बारह में सर दस का इशू क्या बारह में मेरा सवाल यह है शेयर से कितना पैसा रिस्टोर हो गया दस या बारह एक शेर से कितना रिश्तोर दस या बारह अरे दस नालायक को मैंने पहले बताया रिस्टोर क्या होगा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का रिश्तोर बाय फेस वैल्यू। भले आया कितना हो गया बारह रिस्टोर कितना हो गया दस प्रीमियम हमारे काम का नहीं है अरे झेपता है का नहीं समझा पक्का बताओ रिश्तों क्या करेंगे फेसल वो भी किससे फेसल तो रिश्तोर करने के लिए बारह यूज करेंगे दस यूज करेंगे अब बताइए एक शेयर से कितना रिश्तोर हो गया दस कितने शेयर मतलब कहने का मतलब है शेयर बोले इशू कर एट प्रीमियम या इशू कर एट पार रिश्तों ओनली क्या होगा फेसल ओनली क्या होगा फेसल कितना सर चार लाख बोलो सर रिश्तों करना कितना था पांच लाख कितना मिला शेयर से चार लाख कुछ कम पड़ रहा है क्या कितना एक लाख बाकी एक लाख किससे मिलेगा सीआरआर कोई तकलीफ अरे का एक लाख किससे मिलेगा सीआरआर कोई क्वेरी यार नहीं समझा अब सर ये अगर आपको समझा होगा अभी मजा आएगा केस थ्री में अब केस थ्री में मुझे निकाला गया अमाउंट ऑफ सीआरआर बोले कैपिटल टू तो बी रिस्टोर कितना रिस्टोर करना था पांच लाख रिस्टोर करना कितना था पांच लाख रिस्टोर करने के लिए शेयर इशू कर रहे हैं केसरी में कितने शेयर इशू के चालीस हजार शेयर दस का शेयर कितने में इशू क्या एट अ डिस्काउंट ऑफ फिफ्टीन परसेंट कितने शेयर इशू के चालीस हजार दस का शेयर कितने में इशू क्या एट पॉइंट फाइव ना पंद्रह परसेंट डिस्काउंट के साथ तो सवाल है दस का शेयर एट पॉइंट फाइव में इशू क्या रिस्टोर करके कितना सॉरी शेयर इशू करके कितना पैसा रिस्टोर हुआ एक शेयर से एक शेयर से एक शेयर से कितना पैसा रिस्टोर हुआ दस या एट पॉइंट फाइव कितने बोलते हुआ एक शेयर से, से दस रिश्ते हुआ दस क्यों दस क्या होगा फेस वैल्यू अब सुनना बेटा अब यहां पे थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा मान लो सुनो सुनो कोई दिक्कत नहीं सुनो शेयर इश्यू क्या दस में ईश्वर क्या पार रिश्तों कितना हो गया दस चिंता की बात नहीं शेयर इशू कर एड प्रीमियम दस का इश्यू किया बारह में हाथ में आया कितना बारह हाथ में आया कितना बारह कंपनी एड बोलता है प्रीमियम को हाथ लगा नहीं सकते रिश्तों क्या करोगे फेसलू हम लोग ठीक है सर बारह हाथ में आए थे दो को हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे रिश्तों क्या करेंगे फेसलू कितना दस मान लो अब इशू किया एड हाथ में कितना एट पॉइंट कंपनी ऐड बोलता भाई रिस्टोर कर फेस वैल्यू बोले कहां से करें 8.5 तो हाथ में है दस कहां से रिश्तो करेंगे समझा क्या बेटा अरे ज्यादा आया है ना हाथ में 12 हाथ में आते तो दस जो के चलता है बोले तो हाथ में कितने आ रहे 8.5 10 कहां से करेंगे समझा क्या बेटा नहीं समझा बेटा पक्का अरे चलता है का मान लो बेटा तुम्हारे तुम्हारे सामने थाली है बोला बेटा हाँ सुकांता की थाली ठीक है, है ना मतलब बेटा पूरा खाओ खा जाएंगे सर ईश्वर पार मतलब सुकंदा की थाली है साथ में दो वाटी आमरस है प्रीमियम मतलब अमरस नहीं खाने का ठीक है सर बाकी खा लेंगे सर कोई दिक्कत नहीं मान लो पता है क्या भाई थाली में रोटी दो छे मतलब बेटा तीन रोटी खाओ कहा से खाएंगे सर रोटी कितने है? दो है हा नहीं जेब से लाएंगे हाँ नहीं तो वैसे देखो सर क्या समझ में आ रहा है क्या हाँ। पैसा बारह आएगा रिश्तों कितना करोगे दस चलता है पर पैसा अगर एट पॉइंट फाइव आएगा दस रिश्तों कहां से करेंगे समझा क्या बेटा तो दोबारा बताए शेयर के इश्यू क्या आएड? पार इश्यू क्या आएड? पार रिश्तों क्या करेंगे फेस एलो रिश्तों क्या आएड? प्रीमियम सॉरी इश्यू क्या आएड? प्रीमियम क्या करेंगे इशू क्या है में क्या जितना पैसा हाथ में आएगा उतना ही क्या करेंगे हाथ में कितना एट पॉइंट फाइव उतना ही क्या करेंगे रिस्टोर अरे झेपता है क्या हाथ में कितना एट पॉइंट फाइव नहीं समझा सर अब बताओ सर यहां पे शेयर से कितना पैसा रिस्टोर होगा एट पॉइंट फाइव ना सर से कितना होगा गया एट पॉइंट फाइव ऐसे कितने कितना नहीं समझा सर बोलो सर रिश्तों करना कितना था पांच लाख शेयर से कितना हो गया कितना तीन लाख चालीस हजार अरे झेपता है एट पॉइंट फाइव क्यों क्या डिस्काउंट में जितना पैसा बफर हो रहा है वापिस ठीक है कब से हो रहा था बफरिंग अभी समझा क्या रे थोड़ा सा एडजस्ट कर लो यार अभी ठीक है चलो थैंक यू सो मच धन्यवाद सर देखो डिस्काउंट में सर दस का शेयर किया था एट पॉइंट फाइव में रिश्तों कितना हो गया दस से एट पॉइंट फाइव एक से कितना हो गया एट पॉइंट फाइव कितने शेयर है चालीस हजार तीन लाख चालीस हजार रिश्तों करना कितना था पांच लाख कितना शेयर हुआ तीन लाख चालीस हजार कितना कम पड़ रहा है लाख साठ हजार वो किससे मिलेगा सिया समझा क्या पक्का सर ये अगर आपको समझा होगा अब आप क्वेश्चन नंबर फोर और फाइव के लिए तैयार एकदम चिल्लर क्वेश्चन फोर और फाइव इन सभी क्वेश्चन में क्वेश्चन फोर में आपको निकालना है सिया का अमाउंट चलो क्वेश्चन फोर ये पहले आप लोग ट्राई करेंगे चलो 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 क्वेश्चन फोर फटाफट देखिए इतम छुटकी क्वेश्चन फोर पढ़ा क्या सर दस साल प्रिफरेंस शेयर है एक शेयर बच्चों सो का पक्का ओडमशन करना है क्या कैसे करें सर जी बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व देखो ओडमशन कैसे करें बाय यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व रिजर्व यूज कर रहे मतलब सियार्शन रिजर्व मतलब क्या है सियारा कितना रिजर्व है नहीं पता कितना रिजर्व नहीं पता है कितना सीआरआर नहीं पता है निकालना एंड बाई इश्यू ऑफ चार हजार इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज हंड्रेड एच सब मुझे बताओ उडम करने के लिए उडम करने के लिए मुझे बताओ पैसा क्या करना पड़ेगा रिस्टोर रिस्टोर करने के लिए सबसे पहले यूज क्या कर रहे हैं रिजर्व और साथ में क्या कर रहे हैं शेयर कितने शेयर इशू किए चार हजार सो का शेयर कितने में इशू किया ट्वेंटी फाइव सो कैन ट्वेंटी फाइव है और क्या बोला है हाउ मच शुड बी क्रेडिटेड टू द सी आर आर कितना पैसा सी ट्रांसफर ये सम का बच्चों पार्ट ए है यहां से पार्ट बी बच्चों कितना पैसा ट्रांसफर करेंगे सी आर आर चलो मुझे पहले बताइए आपको निकालना क्या पहले सी आर आर क्रेडिट क्यों कर रहे किसके लिए कैपिटल रिस्टोर पहले क्या छे कैपिटल टू बी रिस्टोर पहले क्या चेक कैपिटल टू बी रिस्टोर बोलो सर कितने प्रिफरेंस शेयर है yes. दस साठ एक शेयर कितने का है yes. सर एक शेयर सा कितना सर सो yes. कितने शेयर है दस हाथ कितना आएगा yes. पक्का yes. सर दस लाख रुपए क्या करने थे रिस्टोर yes. नहीं समझा सर yes. दस लाख करने के आते रिस्टोर रिस्टोर करने के लिए कितने ऑप्शन है yes. अभी किससे करेंगे yes. शेयर से यह सीआर कॉम्बिनेशन पहले किससे शेयर कितने शेयर इशू के सर कितने शेयर चार हजार से कितना रिश्तों पच्चीस एक, एक शेयर से रिश्तों शेयर चार हजार कितना आएगा अरे है का दोबारा बताओ सर रिश्तों करना कितना था रिश्तों करना कितना सर जी दस लाख शेयर से रिश्तों कितना हो गया चार लाख कम पड़ रहा है क्या फिर चलो रिश्तों करना कितना सर जी दस लाख शेयर से कितना हो गया चार लाख कितना कम पड़ रहा है छह लाख कहां से मिलेगा सर छे लाख कहां से मिलेगा सियारा नहीं समझा फास्ट हो रहा है कंफ्यूजिंग है क्या बस यही चीज एमसी की मैथ मुश्किल है क्या बेटा अब सर सम का पार्ट बी सेम कैसे रुडमशन कर रहे बस फर्क क्या था क्या रोडमेशन किससे कर सर रिजर्व रिजर्व मतलब सियारा एंड उसके लिए क्या इश्यू कर शेयर कितने शेयर चार हजार पर अभी सो का शेयर कितने में इशू क्या नाइनटी फाइव सो का शेयर चलो फिर से बताइए कैपिटल टू बी रिस्टोर बोलो सर कितना रिस्टोर करना था दस लाख रिस्टोर करना था क्या कितने ऑप्शन है कौन कौन से शेयर और सियारा कितने ऑप्शन है शेयर से आए सियारा पहले पैसा किससे मिलेगा शेयर कितने शेयर इशू के एक शेयर कितने का है एक से कितना होगा अरे सौ रुपए ना 99. एक से कितना हो गया नाइन्टी फाइव कितने शेयर है चार हजार कितना आएगा तीन लाख अरे जिपता है क्या बेटा नहीं समझा शेयर से रिश्तों कितना होगा तीन लाख अस्सी हजार रिश्तों करना कितना सर जी दस लाख 10 कितना शेयर से मिला तीन लाख अस्सी हजार कितना कम पड़ रहा है छे लाख बीस हजार वो किससे मिलेगा सियारा अरे समझा क्या कोई दिक्कत ऊपर जा रहा है नहीं समझा चलो सर कोई क्वेरी में सभी से कंफर्टेबल है चलो शानदार कशाला ए ध्यान दो बस कुछ मिनट देर में खत्म हो जाएगा क्या का ब्रेक चाहिए तुमको चार पांच मिनट का ब्रेक है बेटा सम नहीं हो पाएंगे अपने को सम करने अपने को क्या 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 कैसे हो गया तुम लोग देखो ऑनलाइन बच्चे देखो मस्त कैसे एकदम जोश में बैठे अभी भी नहीं, नहीं। क्या कुछ नहीं खाते वो भूखे रहते मेरे बच्चों से बात होती है ऑनलाइन बच्चों से कुछ नहीं खाते लेक्चर खत्म होना पाने का निवाला भी पे नहीं पीते वो लोग तो डेडिकेशन डेडिकेशन देखो इसलिए तो बोला ना इसलिए तो बोला मैंने क्वेश्चन फाइव सेम टाइम वो टाइम पर छोड़ दो ये अगर होगा क्वेश्चन फाइव तो बन ही जाएगा अपने को देखो नो ब्रेक बोल रहे बच्चे दैट डेडिकेशन आई एम प्राउड ऑफ यू ये देखो सुबह से कुछ नहीं किया बच्चों ने चलो फटाफट एक काम करो पांच का ब्रेक लो भक्तर जाओ भक्तर जाओ पांच मिनट का ब्रेक पांच मिनट का ब्रेक लो चलो चलो जल्दी जल्दी चाह आ जाओ सर इसके डाटा पर एमसीक्यू शुरू करेंगे इसके ऊपर एमसीक्यू कुछ डिस्क्रिप्टिव में आइडिया क्लियर करें बेटा जी कंसेप्ट क्लियर है चलो चलो शुरू करना है रेडी चलो बेटा कंसेप्ट क्लियर बेटा सबको अभी चलो अब सर इस चैप्टर के एमसी स्टार्ट कर लेते हैं अब सर डिस्क्रिट अपने इतने सारे क्लियर किए अब डिस्क्रिट सबको समझ में आ रहा है बेटा सर सबसे पहले आप लोग करेंगे प्रैक्टिकल एमसीक्यू। चलो सर अस कंटिन्यू अब देखो सर प्रैक्टिकल एमसीक्यू को स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन थर्टी टू सर देख सकते हो सुनो बच्चों, नहीं अभी भी कर लेते हैं, खो ना खो जाएगा ना जल्दी। अब देखो सर एमसीक्यू सी क्यों में देखो सुनो इस पे अभी पांच छह एमसीक्यू पहले में करके बाकी अब करेंगे चलेगा सुनो क्वेश्चन थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी फोर थर्टी फाइव थर्टी सिक्स थर्टी सेवन देन थर्टी नाइन देन क्वेश्चन चालीस चलो बच्चों। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्टी थ्री इतने क्वेश्चन मैं पहले करके बताऊंगा बाकी फिर आप खुद से करेंगे चलो एमसीक्यू चलो बेटा तो आपको आइडिया देखो अभी अभी तक रमिशन का बहुत सारा डिस्कस किया बेटा आपको आइडिया एग्जैक्टली एमसीक्यू में क्वेश्चन कैसे आते कैसे टैकल करने चाहिए मैं चाहता बड़ा बैठा अभी पूरा ध्यान देंगे पूरा टेंशन बैठा जी चलो सर क्वेश्चन थर्टी टू ध्यान से पढ़ेंगे पर बात नहीं बैठा जी अभी प्लीज सुनो क्वेश्चन ध्यान दो छोटे छोटे क्वेश्चन है फास्ट फास्ट ध्यान देंगे क्या तुमने सब ठीक से नहीं पढ़ा समझेंगे नमसी एमसीक्यू क्वेश्चन क्या बोला है रुपीज वन लैख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन इच एक लाख क्या नंबर ऑफ शेयर अमाउंट है एक लाख रुपए शेयर का अमाउंट है नंबर ऑफ शेयर है क्या ओके नहीं, नहीं 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 बराबर है तो रुपीज कट करो टाइपिंग मिस्टेक बेटा जी एक लाख नंबर ऑफ शेयर है रुपीज कट करो एक लाख नंबर ऑफ शेयर से दस का शेयर है इशू कैसे क्या एट अ डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट दस का शेयर है इशू कैसे डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट सर दस का शेयर इश्यू कितने में क्या नाइन में दस का शेयर इशू का डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट दस का शेयर सर नो में इशू क्या टू इशू क्या टू डिम शेयर टू डिम प्रिफरेंशियल आपको क्या बोला है वॉट इज द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर अंडर सेक्शन एटीन अब सबका मीनिंग समझे क्या बोलना चाहते हैं सुनो बेटा एक लाख इक्विटी शेयर है फोकस करो दस का शेयर है इश्यू कैसे क्या है तो इशू क्या इश्यू क्यों क्या टू रिडीम प्रिफरेंस शेयर ओके बट ऑब्वियसली जब सर आप प्रिफरेंस शेयर का क्या करोगे रुडमशन करोगे रुडमशन के टाइम पे कैपिटल क्या करोगे रिश्तोद कैपिटल रिस्टोर करने के लिए शेयर क्या करोगे इशू बराबर है आपको क्या बोला रहे प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू अंडर सेक्शन 80 समझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू सब प्रोसीड ऑफ इशू का मतलब क्या है शेयर इशू करके कितना कैपिटल रिस्टोर हो गया इसका मतलब क्या है शेयर से कितना कैपिटल क्या हो गया रिस्टोर इसका मतलब क्या होता है कैपिटल रिस्टोर बाय issue ऑफ शेयर इसका मतलब क्या है सर कैपिटल शेयर इश्यू करके कितना कैपिटल क्या हो गया रिस्टोर सबसे पहले बताइए क्या रिश्तोर करना है कैपिटल कितना नहीं पता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रिफरेंस शेयर नहीं दे कैपिटल कितना रिश्तों करना है नहीं पता है बट ये तो पता है कैपिटल रिश्तों किससे कर रहे शेयर से तो आपको बताना है क्या शेयर से कितना कैपिटल रिस्टोर हो गया जितना कैपिटल रिस्टोर हो गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्रोसिड्स ऑफ फ्रेश इश्यू क्या बोलते हैं फ्रेश इशू करके फ्रेश शेयर इश्यू करके कितना कैपिटल क्या हो गया रिस्टोर वो करे प्रोसिड्स ऑफ फ्रेश आप बताइए एक शेयर से कितना हो रहा है रिस्टोर कितना हो रहा है एक शेयर से कितना रिस्टोर नाइना दस या नाइन अरे दस का शेयर कितने में इशू किया नाइन में एक से कितना रिस्टोर हो रहा है नाइन ऐसे कितने शेयर है पक्का सर डिस्काउंट में रिश्तों कितना हो रहा दस है दस या नाइन होता है जितना आएगा हाथ में उतना क्या होगा रिस्टोर एक, एक से कितना हो गया नाइन कितने शेयर है एक लाख कितना हो गया नौ लाख रिस्टोर हो रहा है क्या इसी कम बोलते प्रोसीड सॉफ फ्रेशो फ्रेश का प्रोसीड मतलब क्या उतना बेनिफिट हो रहा है उतना रिस्टोर हो रहा है कितना सर जी नौ लाख अरे झेपा क्या बेटा चिंता मत करो और पाछे क्वेश्चन देखो यूज तो हो जाओगे आपको मेन एमसीक्यू में समझना क्या पड़ेगा क्वेश्चन एग्जैक्टली क्या पूछा है वो समझना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री को ध्यान से पढ़ेंगे रहे हो। क्या बोला है टू रिडीम प्रिफरें शेयर क्या रिडीम करना बच्चो शेयर वन लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज टेन इच एट रुपीज इलेवन सबसे पहले क्या इश्यू किए इक्विटी शेयर कितने वन लाख इक्विटी शेयर दस का शेयर कितने में ग्यारह में फिर सर एक लाख प्रिफरेंशर भी इशू किए दस का कितने बिछे क्या नौ में और सर एक लाख क्या इशू किए डिबेंचर

इक्विटी शेयर प्रिफरेंस शेयर और डिबेंचर मेरा पहला सवाल है कैपिटल रिस्टोर करने के कितने ऑप्शन होते हैं? तीन पहला इशो ऑफ शेयर दूसरा सियारा तीसरा कॉम्बिनेशन सबिटल स्टोर किस बोला इशो ऑफ शेयर मैंने क्या कभी भी आपको कैपिटल रिस्टोर करने के लिए डिबेंचर यूज करने बोला क्या कैपिटल रिश्ते करने के लिए शेयर इशू करो फिर इक्विटी से इश्यू किया तो भी चलेगा प्रीफरेंस शेयर भी चलेगा बट डिबेंचर नहीं समझा सर सर कैपिटल रिश्ते करने के लिए क्या क्या चलेगा इक्विटी शेयर चलेगा प्रिफरेंस शेयर चलेगा बट डिबेंचर तो यहां पे डिबेंचर का पार्ट आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है वो अपने काम का नहीं है बोलो या ना आपको बताना है क्या पता है क्या वॉट आर द प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू क्या बताना है मतलब क्या है इश्यू से कितना पैसा क्या आ रहा है रिस्टोर मैंने बोला था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू शेयर से कितना पैसा क्या आ रहा है रिस्टोर कैपिटल रिस्टोर बोलो हा या ना कैपिटल टू बी रिस्टोर चाहिए या कितना रिस्टोर हो गया सर यहां पे कैपिटल रिस्टोर करने के लिए क्या क्या उसे रिस्टोर होगा फिर प्रिफ्रेंस शेयर इशू के उसे रिस्टोर हो, हो गया क्या डिबेंचर से रिस्टोर होगा हम डिबेंचर कंसिडर क्या करेंगे इक्विटी शेयर और पहले बताओ कितने इक्विटी शेयर है एक लाख आप बताइए कितने का शेयर कितने में इशू किया दस का शेयर ग्यारह में इशू एड प्रीमियम मेरा सवाल है इक्विटी शेयर से कितना रिस्टोर होगा दस या ग्यारह दस क्यों भले इशू करोगे एड प्रीमियम रिस्टोर क्या होगा फेस वैल्यू एक का कितना फेस वैल्यू दस कितने शेयर है एक लाख एक का कितना फेस वैल्यू दस कितने शेयर है एक लाख दस लाख रिश्तोर हो रहा है क्या नहीं समझा सर दस लाख रिश्तों हो रहा है क्या साथ में और क्या रिश्तोर कर रहे हैं प्रिफरेंस शेयर कितने प्रिफरेंस शेयर है एक लाख प्रिफरेंस शेयर है बोलो सर दस का शेयर है कितने में इशू किया एक शेयर से कितना रिश्तों रहा है दस या नो एक से कितना हो रहा है नो बोलो हाया ना सर एक शेयर से नौ रुपए क्या रहे रिश्तोर कितने शेयर एक लाख ना ला। बोल हाया ना एक शेयर से रिश्तों कितने हो रहे नो कितने शेयर है एक लाख कितना आएगा नहीं समझा एक से कितना हो रहा है नो कितने शेयर है एक लाख कितना आएगा नो लाख तो यहां पे कितना आ रहे दस लाख यहां पे कितना आ रहे नो लाख कितना आएगा नाइनटीन लाख बस एक काम करो ऑप्शन डी मैंने वो जीरो गलती से उसको कट करो आंसर नाइनटीन लाख आएगा जी लाख अरे समझा क्या नहीं समझा बोलो रिश्तो क्या आपको क्या बोला है प्रोसीड का मतलब क्या है शेयर से कितना पैसा रिश्तोर हुआ इक्विटी शेयर भी चलेंगे, भी चलेंगे, पर क्या नहीं चलेंगे? इक्विटी शेयर से रिश्तों कितना हो गया दस लाख और प्रीफरें से नौ लाख दोनों मिला के नाइनटीन लाख क्या हो गया बोलो हा या ना ओके क्या बोले सर सर वहां पर क्या दिया रूपीज क्या दिया है अरे रुपीज एक लाख नहीं बेटा वो नंबर ऑफ शेयर से वो टाइपिंग मिस्टेक है बेटा चिंता टाइपिंग मिस्टेक है बेटा ठीक है चिंता मत कीजिए ठीक है मैं जितना उस पर ध्यान दो बेटा को टाइपिंग मिस्टेक है डोंट वरी चलो सर अभी क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर पढ़ेंगे अच्छे से क्वेश्चन थर्टी फोर ध्यान से पढ़िए नहीं नहीं थर्टी फोर अलग है थर्टी फोर अलग है मत करो थर्टी फोर अपन शाम में करेंगे ये तो टफ है थर्टी फोर थर्टी फोर शाम में करेंगे मुझे याद दिलाना ये भारी समय थर्टी फोर क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव देखिए एडमिशन का समय लॉजिकल समय है। थर मेरे बाहर डजन में डिफरेंट बेटा जी जो नंबर बोलो आंसर आएगा ना बेटा जी क्या फर्क पड़ रहा है यहां पे जो नंबर शुरू से आंसर आएगा क्या फर्क पड़ा है कंसेप्ट तो ये ना बेटा लॉजिक तो यही है ना चलो सर पढ़ा क्वेश्चन क्या बोला सुप्रीम इंडस्ट्रीज परचेस ओल्ड प्लान अ सुपीरियर इंडस्ट्री यहां पे प्लान क्या क्या परचेस अब यहां पर रमशन का सम नहीं बेटा जी शेयर इश्यू परचेस किया है बोलो. सुप्रीम क्या क्या? प्लान कितने का प्लान लिया सर दस लाख का प्लान लिया क्या अब सर दस लाख का प्लान लिया उसे पेमेंट तो करना पड़ेगा ना पेमेंट करने के लिए कंपनी क्या किया तीन लाख रुपए किस फॉर्म में दिए शेयर बोलो सर कितने का प्लान लिया था दस लाख ओके okay, एक करोड़ है क्या वो नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक मिनट को तीन लाख छह से तीन लाख की छी है एक जीरो वो गलती से आ गया बोलो सर कितने का सा प्लान लिया था दस लाख का उसके लिए तीन लाख किसके फॉर्म में दिया है? कैश में कितना कम पड़ रहा है सात लाख के लिए आप क्या दे रहे हो एग्रीड टू तो अलॉड प्रिफरेंस शेयर बाकी सात लाख के लिए क्या दे रहे हो बटे सो का शेयर कितने में दे रहे हो 125 में सो का शेयर कैसे एट प्रीमियम तो आपको क्या बोला है वेंडर को हमें कितने शेयर अलॉट करने बच्चों मुझे बताइए यहां पे बात रडमशन की चल रही है या शेयर इश्यू करनी चल रही है तो अभी तक जो रूल मैंने बताया था ना वो एप्लीकेबल ये समय शेयर इश्यू करने चला लॉजिकल समय सुनो मुझे कितने का प्लांट लिया था उतना सर पे करना था सर दस लाख पे करने के लिए कितने ऑप्शन है पहला पैसा किससे मिलेगा कैश से पहला किससे मिलेगा कैश से कैश से कितना मिलेगा तीन लाख कैश से कितना मिलेगा तीन लाख कितना कम पड़ रहा है सात तो लाख किससे मिलेगा शेयर से बोलो या नाम सर देना कितना सर जी दस लाख कितना मिला कैश से तीन लाख कितना कम पड़ रहा है सात लाख सात लाख शेयर से मिल रहा है क्या पक्का उसके लिए क्या चाहिए नंबर ऑफ शेयर उसके लिए क्या चाहिए नंबर ऑफ शेयर नंबर ऑफ शेयर चलो समझ आता पैसा देना कितना था सर जी देना कितना सर जी दस लाख पक्का सर कितना कैश में दिया तीन लाख सर कैश में कितना दिया तीन लाख कितना कम पड़ रहा है कितना कमेंट रहा है सर जी सात लाख बताओ सात लाख किस फॉर्म में दे रहे शेयर क्यों अब सवाल क्या है कितने शेयर देने चाहिए कितने शेयर देने चाहिए सर कितने रुपए शेयर के फॉर्म में देना है चलो मान लीजिए मुझे आपको सात लाख रुपए देने मुझे आपको सात लाख रुपए देने मेरे पास पैसे नहीं है मैं आपको क्या दे रहा हूं शेयर्स मैं क्या दे रहा हूं शेयर्स अब मेरा सौ का शेयर कितने में दे रहा हूं वन अब जब मैं आपको एक शेयर दूंगा जब एक शेयर दूंगा आपको कितना पैसा रिलीज होगा सौ या एक सौ पच्चीस अरे सौ रुपए मेरा शेयर कितना एक सौ पच्चीस का जब मैं मेरा एक शेयर आपको दूंगा आपको कितने रुपए रिलीज होंगे? एक सौ पच्चीस एक शेयर मतलब एक सौ पच्चीस के बराबर है तो सर एक सौ पच्चीस का कंसिडरेशन देने के लिए एक शेयर लगता है नहीं समझा सर अरे 125 के कंसिडरेशन के लिए एक शेयर लगता है तो सात लाख के लिए कितने लगेंगे पांच हजार छह सौ समझा क्या कुछ नालों से आपने बोला फेस वैल्यू पकड़ने का वो रिडमशन में रिडम नहीं चल रहा है यहाँ पे शेयर क्या कर रहे हैं इश्यू सामने एक शेयर दूंगा ना उसे कितने मिलेंगे सुनो बेटा बाद में आ जाओ बाद में प्लीज मुझे बताओ सर मुझे मुझे सामने का जब मैं एक शेयर दूंगा कितना मिलेगा सो 125। <स्याण> 125। पका, पका। यहाँ पे मेरे एक सौ पच्चीस सो एक सौ पच्चीस पक्का श्योरली पक्का सर मुझे तो सात लाख रुपए के लिए कितने शेयर कितना पांच हजार छे सो ये नंबर ऑफ शेयर टू बी अलॉटेड कितने शेयर अलॉट करेंगे सर पांच हजार छे सो समझा क्या बेटा इजी क्वेश्चन था बोलो हा या ना अब सर यही क्वेश्चन देखो उसी के कनेडी में क्या बोला है हाउ मेनी प्रिफरेंस शेयर विल बी इश्यूड अब कितने शेयर सेम क्वेश्चन है बट अभी शेयर इश्यू कैसे के डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट अब दोबारा बताए देना कितना कंसिडरेशन दस लाख दस लाख में से कितना कैश में दे रहे तीन लाख कैश में कितना कम पड़ रहा है सात लाख किसके फॉर्म में देंगे शेयर अब क्या चाहिए नंबर ऑफ शेयर सर शेयर के फॉर्म में कितने दे रहे सात लाख दे रहे क्या अब सामने वाले को अगर मैं एक शेयर दूंगा अब मैं शेयर कैसे दे रहा हूं एट अ डिस्काउंट ऑफ टेन परसेंट अगर मैं सामने वाले को एक शेयर दूंगा तो कितने मिलेंगे सौ मिलेंगे या नब्बे मिलेंगे सौ मिलेंगे नब्बे मिलेंगे क्यों डिस्काउंट अब मेरा एक शेयर नब्बे के बराबर है एक शेयर दिया तो कितने मिलेंगे तो उसका उल्टा नब्बे रुपए लिए एक शेयर लगेगा तो सात लाख रुपए कितने शेयर? सेवन 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 ऑप्शन कौन सा आ रहा है ए समझा क्या बोलो बोलो इजी है मुश्किल है टाइम पैसे सर जी पक्का कोई दिक्कत चलो शानदार कैन आई गो हेड अब सर क्वेश्चन नंबर थर्टी सेवन सर क्वेश्चन थर्टी से ध्यान से पढ़ेंगे प्रसम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द बोर्ड कंपनी डिसाइड टू इशू मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज एट इच टू रिडीम फोर्टी फाइव थाउजेंड प्रीफरेंस शेयर ऑफ रुपीज टेन इच शांति सुनना रेडोमिशन करना है अभी रिडमिशन क्या है कितने प्रिफरेंस शेयर है फोर्टी फाइव थाउजेंड ऑफ रुपीज टेन इच ऑफ रुपीज प्रिफरेंस शेयर दस का बेटा एक प्रिफरेंस शेयर दस का कितने प्रिफरेंस फोर्टी फाइव थाउजेंड रिडमशन करना है sir, क्या करना है सर जी रिडमशन रिडमशन करने के लिए कैपिटल क्या करना है तो कैपिटल क्या, क्या करना है इक्विटी शेयर कितने के आठ के कितने बट बोर्ड क्या बोलता है हम लोग मिनिमम शेयर मतलब क्या है कम से कम शेयर क्या करेंगे इश्यू हम सारे शेयर इश्यू नहीं करेंगे कम से कम तो बोर्ड क्या रहा है हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे CR, पहले क्या करेंगे CR. और फिर भी कम पड़ा तो क्या होगा शेयर अबे मिनिमम शेयर बोला है पूरा पैसा शेयर से रिस्टोर नहीं करना है मिनिमम शेयर मतलब कम से कम से पहले क्या करेंगे पूरा यूज करेंगे और फिर भी कम पड़ा तो शेयर समझा बेटा जी कि, मुझे एक शेयर कितने का है कितने शेयर इशू के कितने शेयर इशू के वो तो निकालना है इक्विटी शेयर इश्यू करें कितने शेयर इशू करें वो तो निकाला है फोर्टी थाउजेंड है उनका क्या करना है बट उसके लिए कितने इक्विटी शेयर इश्यू करने वो निकालना है समझा क्या बेटा बोल बोला मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट हमारे पास कितना डिविजिबल प्रॉफिट है ढाई लाख सर प्रॉफिट मतलब क्या है ऐसा प्रॉफिट जिसे रमशन कर सकते अगर हमारे पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है ढाई लाख अरे ढाई लाख का प्रॉफिट अवेलेबल है उससे क्या बनेगा आपका सीआरआर बोलो ना? क्या ढाई लाख का प्रॉफिट अवेलेबल है उससे क्या बनेगा आपका सीआरआर बोलो हा याना अब क्या बोला है नंबर ऑफ शेयर रिक्वायर्ड टू बी इश्यू कितने शेयर इशू करने चाहिए ये पहला कंडीशन है एक पार्ट करते हैं पहले बताओ शेयर इश्यू क्यों कर रहे हैं कैपिटल रिस्टोर करने के लिए कैपिटल टू बी रिस्टोर अब मुझे बताओ कितना रिस्टोर करना है कैपिटल रिस्टोर क्यों कर रहे हो प्रिफरेंस शेयर रिडम्पशन आपको पता है जितना प्रिफरेंस शेयर का फेस वाले उतना क्या करना है रिस्टोर और दिमाग में जा रहा है क्या कितने प्रिफरेंस शेयर है फोर्टी एक का कितना फेस वाले है दस कितना आएगा साढ़े चार लाख अरे समझ में आ रहा है क्या साढ़े चार लाख क्या कर के का रिश्ते कितना है दस है कितने कितना साढ़े चार लाख है, है थोड़ा पैसा किससे मिलेगा सीआर थोड़ा पैसा सब में सबसे पहले क्या दिया प्रॉफिट से क्या मिलेगा सीआर समझा क्या जो दिया कितना प्रॉफिट अवेलेबल है ढाई लाख उतने का सियारा बनाओ क्या कितना रिश्ते करना था साढ़े चार लाख कितना सियारा से बन गया ढाई लाख कितना कम पड़ रहा है तो दो लाख के लिए शेयर इशू करने पड़ेंगे बोलो हा या ना अरे है का बेटा शेयर कितना मिला ढाई लाख कितना कम पड़ रहा है दो लाख दो लाख के लिए शेयर इशू करूं अब मुझे क्या मांगता है नंबर ऑफ शेयर एक शेयर कितने का है आठ का पक्का आठ रुपए के लिए एक शेयर तो दो लाख के लिए कितने शेयर पच्चीस एक शेयर से आठ रुपए रिस्टोर है ना शेयर आठ का इशू क्या ना तो आठ रुपए पच्चीस कोई दिक्कत यार बोलो हा या ना नहीं समझा सर कितने शेयर आएंगे पच्चीस आगे वालों पढ़ कुछ से कुछ काम करें ऑल्सो डिटरमाइन नंबर ऑफ शेयर इफ कंपन डिसाइड टू इशू मल्टीपल ऑफ फिफ्टी कुछ काम करें बेटा वैसे वो पच्चीस साल आएगा बेटा वो पच्चीस आ था वो टाइम क्या छोड़ दो ये कुछ काम करें ये कट कर दो आंसर कितना आ रहा है सर जी पच्चीस साल ऑप्शन क्या आएगा डी बोलो हा या ना कोई दिक्कत स्पीड ठीक है बच्चा लो फास्ट हो रहा है दिमाग में जा रहा है सर चलो सर अब सर क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन थर्टी नाइन ठीक है ना क्वेश्चन ए थर्टीडियल कैपिटल करना है प्रीमियम कितना सर प्रीमियम है टेन परसेंट सुनो सुनो तीन लाख का प्रीफरेंशियल कैपिटल है करना प्रीमियम, सर कितना प्रीमियम है टेन परसेंट तो तीन लाख के लिए देना कितना है? तीन लाख पैसा कहां से आएगा जनरल रिजर्व सर रिजर्व से क्या बनेगा बोलो ना सी आर आर कितना पैसा है? 35, और इश्यू करने है? चाहिए. 10 तो का नहीं दिया बच्चों मान लो शेयर का फेसल दस रुपए दस का शेयर इश्यू कैसे करें दस का डिस्काउंट नौ में, में. समझा क्या आराम से शांति से मुझे बताइए मुझे पहले बताओ कैपिटल क्या करना है रिस्टोर सर मुझे है कैपिटल टू बी रिस्टोर सर मुझे बताइए कितना कैपिटल रिस्टोर करना है कितना सर जी तीन लाख ये तीन लाख कौन है बोलो सर कैपिटल रिस्टोर कितना करना है रमशर का प्रिफरेंशियर का बोलो सर कितने प्रिफरेंशियर कैपिटल तीन लाख ना रिस्टोर कितना करेंगे तीन लाख या तीन लाख तीस आर क्यों जितना प्रिफरेंसर का फेस वैल्यू उतना क्या करेंगे रिस्टोर सर रिस्टोर कितना करेंगे तीन लाख उसके लिए कितने ऑप्शन है कौन से सीआरआर और शेयर सिया मेरे को शेयर इश्यू करना है वो तो मेरे को समझा बट सिया कहा सब में कौन है जनरल रिजोर अगर सर क्वेश्चन में सर रिजोर अवेलेबल है उससे क्या बनेगा सियारा बोलो हा या ना अरे समझा क्या नालायको कितना रिजर्व अवेलेबल है एक लाख पंद्रह आप बताओ पहले शेयर इश्यू करेंगे या पहले रिजर्व सीआर बनाएंगे क्या नंबर ऑफ शेयर दिए क्या तो पहले क्या बनाएंगे सीआरआर कम पड़ेगा तो शेयर अरे समझा क्या आपको रिजर्व का अमाउंट दिया है उससे पहले क्या बनाएंगे सीआरआर रिजो कॉमन सेंस रिजो कितना सर एक लाख पंद्रह हजार उससे बनेगा सीआरआर बोलो हा या ना कितना कम पड़ रहा है वन लाख एटी फाइव थाउजेंड वो कहां से मिलेगा शेयर से, पे मिलेगा? तो से उसके लिए कितने शेयर इशू करने है? चाहिए फ्रेश शेयर ना बोलो सर शेयर से कितना रिस्टोर करना है वन लैक एटी फाइव थाउजेंड अरे जेपा क्या सर शेयर से कितना रिस्टोर करना है वन लैक एटी फाइव थाउजेंड कितने का शेयर कितने में इशू किया दस का शेयर नो में ना डिस्काउंट और टेन परसेंट ना सर एक शेयर से कितना रिश्ता हो रहा है दस या नो अरे दस क्यों डिस्काउंट में जितना हाथ में आ रहा ना कितना रिश्ता हो रहा है सर एक शेयर से नो हो रहा है क्या एक शेयर से नो है बोलो या नो रुपए रिश्ता होने के लिए एक शेयर कर सर नो रुपए के लिए एक शेयर मांगता है तो वन लैख एट कितने शेयर मांगते बताइए कितने मांगते सर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव समझा क्या सबका सेम आ रहा है क्या लेकिन आपको क्या पूछा है ट्वेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड फिफ्टी फाइव आ रहा है क्या लेकिन आपको इन सभी शेयर का क्या मांगता है फेस वैल्यू सबका क्या मांगता है फेस वैल्यू ये नंबर ऑफ शेयर है ना आपको क्या मांगता है फेस वैल्यू अब शेयर कैसे करेंगे सर एक का कितना फेस वैल्यू टेन कितने शेयर ट्वेंटी थाउजेंड ट्रिपल फाइव एक का कितना फेस वैल्यू है टेन कितने शेयर ट्वेंटी थाउजेंड ट्रिपल फाइव कितना आएगा फाइव फाइव जीरो बरा रहे ऑप्शन रॉन्ग है सबका सेम आंसर पक्का सही तो क्या ना कुछ गलत नहीं किया ना पक्का दोबारा बताओ रिश्तों करना कितना था तीन लाख पहले किससे किया शेयर शेयर इतना क्या वन लाख एट्टी सॉरी पहले किससे किया सीआरआर कितना एक लाख पंद्रह हजार कितना कम बढ़ रहा है वन लाख एट्टी फाइव थाउजेंड उसके लिए क्या इशू करेंगे शेयर एक शेयर से कितना मिलेगा नो no. नौ रुपए के लिए एक शेयर तो वन एट्टी फाइव के लिए कितने आएंगे टू जीरो ट्रिपल फाइव शेयर बोलो हा या ना चलो yeah. सबको झेपा क्या yeah. तो सब मुझे बताइए अब इस पर कॉन्फ्रेंस आ रहा है बच्चों चलो yeah. सर अब सर एक उसके रिमेनिंग क्वेश्चन शाम में डिस्कस करना चलेगा yeah. मीन वाली कुछ टास्क चलेगा सम कर पाएंगे बेटा सुनो अभी कुछ शाम तक तो कुछ काम है क्या कौन सा लक्ष्य है उसके बाद सेवन थर्टी को है ना एसएम कब होगा ठीक है चलो फिर शाम में देख लेंगे शाम में देख लेंगे ठीक है चलो बाकी शाम में देख लेते हैं चलो सबको समझा चलो क्या बातें शानदार तो बाकी बड़ा कुछ शाम में कर लेते चलो बाबा